हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फाइनली बेटा, हमारी जो आज की क्लास है, हमारा जो आज का टॉपिक है, उसका नाम है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम लोग जनरली अपनी लैंग्वेज में MOA एंड AOA भी कहते हैं। बेटा मेरी बात को बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर ये चैप्टर कितना इम्पॉर्टेंट है, या ये चैप्टर कितना टफ है, या ये चैप्टर कितना लेंदी है, अगर हम उसकी बात करें तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं मान के चलूं तो हमें इस टॉपिक में 5 to 6 लेक्चर्स लगने चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 12 से 14 घंटे लगने चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम का कोई सवाल नहीं है, राइट जी। तो MOA AOA बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी वेटेज का चैप्टर है, ठीक है जी। ये बात, कई इंस्टीट्यूट जो होते हैं CA CA CWA, कईयों में एक ही चैप्टर दिया होता है MOA एंड AOA, किसी किसी में दो बना के भी दिए होते हैं MOA एंड AOA एंड ऑल्टरेशन ऑफ MOA एंड AOA करके दो अलग अलग चैप्टर्स भी बने होते हैं, राइट, ठीक है जी। तो कहने का मतलब, नेम ऑफ द टॉपिक इज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो आज हमारा MOA एंड AOA का लेक्चर नंबर 1 है बच्चे। जब हम अपनी लेक्चर नंबर 1 की बात करते हैं, सर लेक्चर नंबर 1 में हम क्या पढ़ेंगे? आज हम MOA AOA के बारे में नहीं पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे देयर आर 4 डॉक्ट्रिन्स जो हमारे कोर्स में दे रखी है, जो कि आपको, आप इंडिया के क्या, आप वर्ल्ड के किसी भी लेवल का लॉ पढ़ रहे हो, आप CA कर रहे हो, CS कर रहे हो, CWA कर रहे हो, LLB कर रहे हो, MBA कर रहे हो, BBA कर रहे हो, LLM कर रहे हो, लॉ की, जुडिशरी की, जज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन चारों डॉक्ट्रिन्स के बिना आप कभी लॉयर या कभी जज या कभी CA CS CWA चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट बन ही नहीं सकते। ये चार डॉक्ट्रिन्स हर एक को पढ़नी पड़ती है। जैसे फाउंडेशन में जब भी कोई लॉ पढ़ेगा किसी भी लेवल पे, बीकॉम हो, बीकॉम ऑनर्स हो, LLB BBA कुछ भी हो, सब में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया जाता ना, उसी तरीके से आपको बिना इन चारों डॉक्ट्रिन्स के कभी भी कंपनी लॉ समझ ही नहीं आ सकता। ये चार डॉक्ट्रिन्स कितनी इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मान के चलिए कि आपके एग्जाम में एटलीस्ट एक तो हर बार आएगी ही आएगी, हर बार आएगी। इतिहास गवाह, आप चेक कर सकते हो अपने आंसर शीट्स, ये जो क्वेश्चन पेपर आपके आते हैं एग्जाम पेपर, हमेशा आएगी आएगी, राइट बच्चे। इन चारों डॉक्ट्रिन्स का, अभी लिखिए मत, आई गिव यू एम्पल टाइम, इन चारों डॉक्ट्रिन्स का क्या नाम है एक बार पहले देखते हैं बेटा। देखिएगा इधर, सबसे पहली डॉक्ट्रिन आती है जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। जनरली बेटा लोग जो है ना, बच्चे हैं या टीचर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, चैप्टर खत्म होने के बाद इन डॉक्ट्रिन्स को पढ़ते हैं। मैं हमेशा पहले लेक्चर में पढ़ाता हूं, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मजा बड़ा आता है इसको पढ़ने में। सेकंड चीज आएगी डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पहली, दूसरी आएगी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। आप में से अगर किसी ने शायद कभी बीकॉम करी हो तो उसके अंदर नाम भी सुने होंगे। तीसरी आएगी बेटा आपके कोर्स में डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ठीक है बच्चे। और एक फोर्थ आती है जो हर किताब में नहीं होती, कुछ कुछ लोग पढ़ाते हैं, सारे नहीं पढ़ाते हैं, इसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो, शायद इसको कम लोगों ने सुना हो, लेकिन बाकी सारी की सारी आपने सुनी होंगी, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो, क्लियर है जी। अल्टर ईगो पहली बार 2013 के दिसंबर में आई थी एग्जाम के में आपके, ठीक है। तो मैंने कहा कि हमारे टॉपिक का नाम क्या है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये कितने क्लासेस का है, इसको पढ़ने में हमें 5 से 6 लेक्चर लगेंगे। पहले लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे हैं, चार डॉक्ट्रिन, चारों का नाम क्या है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट, अल्ट्रावायरस एंड अल्टर ईगो, राइट। आपको भी रटने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे चलेंगे आपको ऑटोमेटिकली सब याद होता जाएगा, क्लियर है बच्चे।
याद रखिएगा ये चार क्वेश्चंस कंपनी लॉ के इतिहास के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, राइट। देखिए तो शेल वी स्टार्ट, लेकिन उससे पहले डॉक्ट्रिन्स पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक पढ़ाऊंगा, जिससे आपको जिस बेसिक पे ये डॉक्ट्रिन्स डिपेंडेंट है। तो पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, फिर हम डॉक्ट्रिन की बात करेंगे। डन। देखिएगा बेटा इधर ध्यान से, हम बात करते हैं सबसे पहले अपने बेसिक नंबर वन की। बेटा इधर सुनिएगा, देखिए बच्चे बेसिक वन क्या बोलता है। बेसिक वन बात करता है प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन की, प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन की। बेटा मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा प्लीज। इधर क्या हम लोगों को इतना पता है कि जब भी एक कंपनी फॉर्म होती है तो सबसे पहले कंपनी के प्रमोटर्स आरओसी को एमओए और एओए देते हैं, हाँ या ना? बिना इसके तो फॉर्म हो नहीं सकती। तो सर जो भी कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स आरओसी को क्या फाइल करेंगे? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, राइट जी? क्लियर है? प्लस अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, वो तो ऑब्वियस सी बात है। डन। अब आरओसी क्या करता है बेटा, देखिएगा ध्यान से। जब भी कोई कंपनी फॉर्म हो रही होती है तो प्रमोटर्स आरओसी को एमओए एंड एओए बोलते हैं। मेरे से कोई पूछे एमओए एओए क्या है, तो मैं बोलता हूं ये कंपनी के इंपॉर्टेंट चार्टर्स है, ये कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जिसके बिना कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती, हाँ या ना? क्लियर है जी ये बात? सर फिर आरओसी क्या करता है? आरओसी इस एमओए और एओए को अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देता है, www.mca.gov.in, mca.gov.in। मैं यहां पर लिख रहा हूं कि आरओसी इसको अपलोड कर देगा। तो पहले ये बताओ कि इन दो चीजों में कोई डाउट? मैंने क्या बोला आपको, जब भी कोई कंपनी फॉर्म होती है तो कंपनी फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना एमओएओए आरओसी को देते हैं। ये बात हमें समझ आ गई। फिर आरओसी क्या करता है, उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देता है। डन। अब आप सुनिए, ये जो वेबसाइट है आरओसी की, ये वेबसाइट है पब्लिक डोमेन, हाँ या ना? ये वेबसाइट है पब्लिक डोमेन, माने पब्लिक के लिए एक प्लेटफॉर्म है, यस और नो? अब सुनिए बेटा, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो अमित वोरा जो है, अमित वोरा इस कंपनी के साथ, मान लो ये प्रमोटर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के थे, आरआईएल के थे। अब अमित वोरा आरआईएल के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, तो अमित वोरा को उस कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले क्या करना चाहिए? अमित वोरा की ड्यूटी बनती है कि वो एमसीए की वेबसाइट पे जाए और एमसीए की वेबसाइट पे जाके इंस्पेक्ट करे। क्या इंस्पेक्ट करे? एमओए एंड एओए ऑफ आरआईएल। तो पहला बेसिक आपको समझ आया कि जब भी आप किसी कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने लगे हो तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले कंपनी का एमओए और एओए पढ़िए। ये कोई इसमें कोई डाउट? एंड सेकेंडली, जब आप एमओए और एओए पढ़ने जाओगे तो सर हमें कहां से मिलेगा एमओए? या तो आप कंपनी से भी मांग सकते हो, और आप कंपनी से नहीं मांगना चाहते तो आरओसी की वेबसाइट जो है www.mca.gov.in, आप उस पे भी जाके उस एमओए को रेफर कर सकते हो। इसमें कोई डाउट? तो बेसिक नंबर वन हमें क्लियर हुआ। बेसिक नंबर वन क्या कह रहा है, जब भी कंपनी फॉर्म होगी तो कंपनी फॉर्म होते हुए कंपनी एमओए आरओसी को देगी। दूसरा, आरओसी क्या करेगा, उस एमओए को अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देगा। और तीसरा, कोई भी इंसान जब कंपनी से डील करने जाएगा तो उसकी ड्यूटी बनती है कि पहले वो एमओए और एओए को रीड कर ले, हाँ या ना? इसका मतलब क्या, सुनिए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो एमओए एंड एओए है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, हाँ या ना? कंपनी का एमओए एओए क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, यस और नो? ये कहां से पब्लिक के लिए अवेलेबल है? पब्लिक डोमेन कौन सा है? mca.gov.in। इसमें कोई डाउट? क्लियर है बच्चे? पक्का? ये हो गया बेसिक नंबर वन, कि जब भी आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप कंपनी का एमओए चेक करके आपको जाना चाहिए। एमओए कहां से चेक करोगे आप? कंपनी के, या तो कंपनी से मांग लोगे या एमसीए की वेबसाइट से। डन। एम आई क्लियर? श्योर। अब देखिए, अब यहां पर एक बात आती है बेसिक नंबर टू की। देखिए बेटा,
बेसिक नंबर टू की बात आती है, ये क्या बोलता है सुनिए इधर ध्यान से ऑल ऑफ यू, ये कहता है कि सर एक कंपनी है, कंपनी का डॉक्यूमेंट है, हमको पता चल गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसके बिना कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती, सिंपल सी बात है। कहता है सर इस एमओए के अंदर देयर आर सिक्स क्लॉजेस, छह क्लॉजेस होते हैं इस एमओए के अंदर, छह पार्ट्स होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। कहते हैं सर ये छह क्लॉजेस में जो थर्ड क्लॉज होता है, जो थर्ड क्लॉज होता है उसका नाम होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, क्लियर है जी ये बात, इसका नाम होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। और इस ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट माने कंपनी का मेन बिजनेस लिखा होता है, क्लियर है ये बात, यस और नो। और कहता है ध्यान से सुनेगा इधर ऑल ऑफ यू, इतनी कहानी समझ आई कि कंपनी का एमओए, एमओए में छह क्लॉजेज है, छह क्लॉजेज में से थर्ड क्लॉज है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट क्लॉज, जिसमें कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट लिखा होता है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, कहते जी आउटसाइडर जब भी कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है तो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले उस आउटसाइडर की ड्यूटी बनती है कि वो इंस्पेक्ट कर ले या रीड कर ले कंपनी का एमओए एंड एओए, ये बात समझ आ गई, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो रीड कर ले कंपनी का एमओए एंड एओए, ठीक है जी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वेन एवर यू आर एंटरिंग इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी तो आप ब्लाइंडली मत चले जाओ, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप कंपनी का एमओए और एओए रीड करके जाओ, कंसल्ट करके जाओ, आपको पता होना चाहिए कंपनी का क्या मेन ऑब्जेक्ट है, हाँ या ना भाई। अमित वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, मान लो हमने कंपनी बनाई है और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है बच्चों को पढ़ाना, हमारे मेन ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है एमओए का थर्ड क्लॉज है ऑब्जेक्ट क्लॉज, उसमें लिखा हुआ है कि हम टीचिंग करेंगे, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, क्लियर है जी। सीए सीएस सीडब्ल्यूए के बच्चों को पढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है, इंटर फाइनल के बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन अब मेरे पास कोई आता है, क्या नाम है आपका, निकिता, निकिता आती है मेरे पास, कहती है अमित सर अमित वोरा क्लासेस, मैंने कहा हाँ जी, ये पकड़ो डाउन पेमेंट बयाना, मैंने कहा किस चीज का, 500 किलो जलेबी भिजवा देना, अब हलवाई लगते हैं आपको। लेकिन 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 अमित वोरा ने भी सोचा यार कि ये दे रही है 500 रुपए किलो के हिसाब से जलेबी मांग रही है, जलेबी मिलती है 150 रुपए किलो, 350 रुपए किलो का मुनाफा हो रहा है, इंटू 500 केजी लाखों का मुनाफा हो रहा है, आन दो क्या दिक्कत है, ठीक है बहन जी मिल जाएगी, और हमने इससे पेमेंट लेके नहीं दी, क्या ये हम पे केस कर सकती है, नहीं, इसकी ड्यूटी थी, इसको पढ़ के आना चाहिए था कि क्या जिस कंपनी के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट करने वाली हूं वो कंपनी का काम जलेबी बेचना है भी या नहीं है, समझ आ रही है बात में, यस और नो। अगर सुनिएगा बड़े ध्यान से, मैं जो आपको बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने लगा हूं मैं, इधर देखिए, क्या आपने कभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हुआ है, आपने जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कौन कौन इनकेपेबल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इनकेपेबल या इनकेपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था बच्चे, अब आप में से कोई मुझे बता सकता है कि कौन कौन कैपेबल नहीं होते, माइनर कैपेबल नहीं होता, माइनर के अलावा मेंटली अनसाउंड नहीं होता, माइनर जो 18 साल से छोटा है और मेंटली अनसाउंड नहीं होता, मेंटली अनसाउंड में आप मेंटली अनसाउंड ल्यूनेटिक इडियोटिक इनसेन ड्रंकर्ड सब पढ़ा करते थे, हाँ या ना। एंड इधर देखिए थर्ड पॉइंट फिर से आता है, यहां पर आता है डिसक्वालिफाइड, और डिसक्वालिफिकेशन में अगर आपको याद हो तो इसके अंदर आता था क्या क्या आता था, एलियन एनिमी और इंसॉल्वेंट और फॉरेन सवर्न या फॉरेन एम्बेसडर्स, राइट, और कन्विक्ट, और एक पॉइंट और इसके अंदर आता था कंपनी, आप में से कितनों ने ये कंपनी पॉइंट पढ़ा है, हाँ या ना, ये पॉइंट आता था कंपनी। सर क्या कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, वहां ऐसा नहीं लिखा होता था, कुछ और लिखा होता था, कितनों को, अच्छा बाकी सारे पॉइंट्स याद आए, सिर्फ एक कंपनी वाला ही है जो मैंने बोला वही याद नहीं आया, बाकी सब याद आए,
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है माइनर मेंटली अनसाउंड या डिस्क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मेंटली अनसाउंड में अनसाउंड, इनसेन, ल्यूनेटिक, इडियोटिक, ड्रंकर्ड सब दिया होता था, राइट। और डिस्क्वालिफाइड में सब होता था, कंपनी भी होता था। अब कह रहे हो सर कंपनी क्यों डिस्क्वालिफाइड है, कंपनी तो हमने चैप्टर वन में पढ़ा था कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, यस और नो। लेकिन सुनो, वहां पर जो फाउंडेशन में बुक्स चलती थी हमारे नॉर्थ इंडिया में, एमसी कुचल, एनडी कपूर चला करती है, पता नहीं कौन सी पढ़ते हो आप लोग, उसके अंदर एक लाइन लिखी होती थी, सुनिएगा ध्यान से इधर, ऑल ऑफ यू देखिए बेटा इधर, कंपनी इज डिस्क्वालिफाइड, ये मैं यू लिखता हूं, आप लोग को डब्ल्यू तो नहीं लगता, कंपनी इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये लाइन समझ आई कि हर कंपनी डिस्क्वालिफाइड है, किस चीज से डिस्क्वालिफाइड है, कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, आउटसाइड द स्कोप ऑफ एमओए, हाँ या ना। इसका मतलब क्या कंपनी लॉ या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी क्या कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर रहा है या एमओए की लिमिट के बाहर कॉन्ट्रैक्ट करने से, एमओए की लिमिट के बाहर। अब समझ आया क्या लाइन लिखी होती थी कि हमें पूरा क्लासेस, तेरा काम पढ़ाना है, तू पढ़ा, तू जलेबी नहीं बेचेगा, यस और नो, क्लियर है। तो अभी तक अगर हम बात करें तो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाना शुरू ही नहीं किया, अभी तक मैंने बात की कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पहले लेक्चर में आज हम क्या पढ़ेंगे, चार डॉक्ट्रिन्स। चार डॉक्ट्रिन्स का नाम क्या है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट, अल्ट्रा वायरस एंड ऑल्टर ईगो, क्लियर है जी ये बात। सर इसके अंदर अभी हमने क्या पढ़ा, बेसिक वन। बेसिक वन क्या बोल रहा है, जब कंपनी फॉर्म होगी तो कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी का एमओए आरओसी को फाइल करेंगे, जब आरओसी के पास जाएगा तो आरओसी माने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी उसको एमसीए की वेबसाइट पे अपलोड करेगा। एमसीए की वेबसाइट क्या है, पब्लिक डोमेन है, और जब आपने एमसीए की वेबसाइट पे अपलोड किया तो उसके बाद वो पब्लिक के लिए अवेलेबल है। इसका मतलब ये कि जो पब्लिक में से कोई भी बंदा उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसको एमओए पढ़ के आना चाहिए, आना या यू कैन से पढ़ के आना पड़ेगा, डन, क्लियर है जी ये बात। तो ये एक ड्यूटी होगी आउटसाइडर की, जैसे एमओए पढ़ के आना पड़ेगा, राइट, क्लियर है। अच्छा एक चीज बताओ, आप जब आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो गलती आपकी होती है, आपको चेक करना चाहिए था सामने वाला मेजर है या माइनर, हाँ या ना। इसी तरीके से जब आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपकी ड्यूटी है कि आप कंपनी का एमओए पढ़ लो, क्योंकि अगर कल को उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर या एमओए के बाहर कोई काम हुआ तो आप कंपनी को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि लॉ बोलता है कि आउटसाइडर की ऑब्लिगेशन है कि उसे एमओए पढ़ के आना पड़ेगा, हाँ या ना, डन जी। तो ये बेसिक टू क्या कह रहा है, बेसिक टू कह रहा है कि सर जो कंपनी का एमओए है, एमओए में छह क्लॉजेस है, छह में से थर्ड क्लॉज है ऑब्जेक्ट क्लॉज, जिसमें कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट्स है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले आप वो पढ़ो। तो बेसिक टू कहता है पढ़ो, बेसिक वन कहता है कहां से पढ़ो, एमसीए की वेबसाइट से पढ़ो, हाँ या ना, डन। आगे मैंने कह दिया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी ये पॉइंट दिया जाता था कि कंपनी डिस्क्वालिफाइड है फ्रॉम एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। आप कह रहे हो सर हमें याद नहीं आ रहा, तो जो लैंग्वेज लिखी होती थी वो मैंने आपको बता दी कि कंपनी डिस्क्वालिफाइड है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती जो उसके एमओए की हद के बाहर हो, यस और नो, एनी डाउट इन दिस, क्लियर है जी, श्योर। एक बार पहले इसको पेन डाउन करें फिर आगे चलेंगे, करिए जी।
हो गया जी यहां तक। अब देखिए बच्चे, अब हम आ रहे हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। बेटा इधर देखिएगा प्लीज, ऑल ऑफ यू। कहते सर द वर्ड डॉक्ट्रिन मीन्स प्रिंसिपल। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है प्रिंसिपल। कंस्ट्रक्टिव माने डीम्ड, है नहीं लेकिन माना जाएगा। एंड नोटिस तो हमें पता ही है, नोटिस जो वर्ड होता है ना, ये नोटिशिया वर्ड से लिया गया है। नोटिशिया का मतलब होता है टू ब्रिंग इनटू नॉलेज, टू ब्रिंग समथिंग इनटू नॉलेज। मेरी बात को सुनिएगा बेटा इधर ध्यान से, जो मैं कहना चाह रहा हूं, टू ब्रिंग समथिंग इनटू नॉलेज। प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस माने प्रिंसिपल ऑफ डीम्ड एज नोटिस या डीम्ड नोटिस क्या कहता है सुनिएगा, पहले सुनिएगा। कहते हैं जी ये जो डॉक्ट्रिन है, ये जो प्रिंसिपल है, बेटा सुनना प्लीज, नजर हटी दुर्घटना घटी हो जाएगा, लिखना छोड़ दो। इधर देखिए, आई गिव यू एम्पल टाइम टू पेन डाउन, पहले सुनिए ये क्या कह रहा है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलती है कि जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो कंपनी अपने एमओए और एओए को आरओसी को फाइल करेगी, आरओसी उसको एमसीए की वेबसाइट पे अपलोड कर देगा, और जब एमसीए की वेबसाइट पे अपलोड हो गए इसका मतलब वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो गए, हाँ या ना। और क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है तो वो नोटिस माना जा रहा है, मतलब एमसीए ने अपनी तरफ से नोटिस दे दिया पूरी दुनिया को कि कोई भी इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो करने से पहले एमओए और एओए को पढ़ के कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हाँ या ना। क्योंकि अगर आपने एमओए और एओए को नहीं पढ़ा और कल को कंपनी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया जो गलत हुआ, तो गलती कंपनी की नहीं, गलती आपकी मानी जाएगी कि आपने एमओए और एओए को क्यों नहीं पढ़ा, हाँ या ना। तो मतलब ये जो डॉक्ट्रिन है ये आउटसाइडर पे एक ऑब्लिगेशन लगाती है और कंपनी को एक फेवर देती है, हाँ या ना। कंपनी को क्या फेवर दे रही है कि कंपनी एकदम रिलैक्स है कि जो आ रहा है पढ़ के आ रहा है, नहीं आ रहा पढ़ के तो उसकी गलती है, हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है, यस और नो। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलती है कि जो आरओसी को हमने डॉक्यूमेंट दिए थे, एमओए आरओसी ने अपनी वेबसाइट पे डाले, वेबसाइट पे डालने का मतलब है कि आरओसी ने उसे पब्लिक डोमेन में अवेलेबल कर दिया, इट विल बी डीम्ड एज नोटिस टू पब्लिक। पब्लिक मींस एनी पर्सन हु इज एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू रीड द एमओए एंड एओए केयरफुली बिफोर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी। क्योंकि अगर सब्सिक्वेंटली बाद में कोई भी गलती निकलती है कंपनी के पार्ट पे, वो तो कंपनी की नहीं, वो आपकी गलती मानी जाएगी, क्योंकि आपको एमओ एओए पढ़ के आना चाहिए था। ये बात समझ आई, क्लियर है जी सबको। तो पहले एक बार इसके बारे में लिखते हैं हमारी लैंग्वेज में, फिर आगे चलेंगे, डन। तो पहले एक बार लिखिए, ये डॉक्ट्रिन बहुत बड़ी है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। देखिए, एट द टाइम ऑफ, मेरे साथ साथ आप लिख सकते हैं, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इट्स इंपॉर्टेंट चार्टर्स दैट इज एमओए एंड एओए आर फाइल्ड बाय कंपनी टू आरओसी एंड आर साइमल्टेनियसली, देखिए यहां तक हमने क्या लिखा, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इट्स इंपॉर्टेंट चार्टर्स दैट इज एमओए एंड एओए आर फाइल्ड बाय कंपनी टू आरओसी, ये बात ठीक है, एंड आर साइमल्टेनियसली अपलोडेड ऑन वेबसाइट ऑफ एमसीए दैट इज www.mca.gov.in। क्लियर है जी ये बात, डन। एक बार मेरे को एक बच्चे का यूट्यूब पे कभी इससे रिलेटेड कोई लेक्चर डाला होगा, एमसीए से, पाकिस्तान से एक बच्चे का मुझे यूट्यूब पे आया, सर हम पाकिस्तान से, मैंने कहा, उसमें लिखा बच्चे ने सलाम वालेकुम ये वो,
फिर बाद में कहता है सर आप हमें बता सकते हो कि अगर पाकिस्तान की कंपनी हो तो हमारी साइड क्या होगी। भाई मुझे क्या पता क्या होगी, समझ रहे हो बात, मैंने कौन सा पाकिस्तान का कंपनी लॉ पढ़ा है। नो डाउट ऑब्वियसली इंडिया से सिमिलर है क्योंकि यूके से डिराइव किया सबने, लेकिन हाउ डू आई नो कि पाकिस्तान में कौन सी वेबसाइट होगी, क्या नाम होगा। आया ना, हमारा MCA.gov.in ना उनका होगा, MCA.pk.in को जैसा सा होगा, या MCA.gov.in इंडिया है उनका पीके पाकिस्तान होगा, कुछ ऐसा सा होगा। तो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इट्स इंपॉर्टेंट चार्टर्स दैट इज एमओ एंड एओए आर फाइल्ड बाय कंपनी टू आरओसी एंड आर सब्सिक्वेंटली अपलोडेड ऑन वेबसाइट। क्लियर है जी? ठीक है जी, आगे देखिए, आफ्टर बींग अपलोडेड, MOA and AOA shall be deemed as available for inspection in public domain। हाँ या ना, कि आरओसी ने एमसीए की वेबसाइट पे डाल दिया, माने आरओसी ने पब्लिक डोमेन में डाल दिया, यस और नो? जैसी आरओसी ने इस वेबसाइट पे डाल दिया तो आरओसी ने पब्लिक डोमेन पे डाल दिया। आफ्टर बीइंग अपलोडेड एमओए एंड एओए शैल बी डीम्ड एज अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन इन पब्लिक डोमेन। यहां तक बात समझ आई? ये कोई नई बात तो नहीं है, वो जो दो बेसिक मैंने ऊपर पढ़ाए थे उसी से रिलेटेड है कि जब कंपनी फॉर्म होगी तो हम एमओ एओए आरओसी को देंगे, आरओसी एमसीए की वेबसाइट पे डालेगा और साथ में वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होंगे, राइट? अब बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलती है। लिखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस स्टेट्स दैट the memorandum of association and article of association made available by ROC on website of MCA shall be deemed as notice to the public, that is any person entering into the contract with company, any person entering into the contract with company is under obligation to consult its MOA and AOA, yes or no? जवाब दीजिए प्लीज। इधर देखिए ध्यान से क्या कह रही है। At the time of incorporation of company, its important charters जो कि MOA and AOA है, दे आर फाइल्ड बाय कंपनी टू ROC एंड आर साइमल्टेनियसली अपलोडेड ऑन MCA's वेबसाइट। आफ्टर बीइंग अपलोडेड इसका मतलब है कि वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो गए हैं, यस और नो? राइट जी, आगे कह रहे जी, कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहती है कि जो डॉक्यूमेंट्स ROC की वेबसाइट है, इट विल बी डीम्ड एज नोटिस टू द पब्लिक, है ना? एनी पर्सन एंटरिंग इन टू द कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू कंसल्ट इट्स MOA एंड AOA बिफोर entering into the contract, before entering in the contract, ठीक है जी? कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ही आपकी ड्यूटी है कि आप MOA और AOA को पढ़ लो, हाँ या ना? सर ऐसा क्यों बोला गया? इधर देखिए ध्यान से बेटा, इधर अगर आप माइनर के साथ अग्रीमेंट करते हो और कल को वो माइनर निकलता है तो गलती आपकी होती है, माइनर की आपकी होती है कि आपको चेक करना चाहिए था कि वो माइनर है तो नहीं, अगर आपको डाउट हो रहा था तो आपको आईडी प्रूफ वगैरह चेक करना था, हाँ या ना? इसी तरीके से अगर आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपकी ड्यूटी आपको एमओए एओए पढ़ के आना चाहिए था, यस और नो? एम आई क्लियर? तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है ध्यान से, इसके बाद हम लिखेंगे यहां पर कंक्लूजन,
कंक्लूजन क्या है बच्चे, देखिए कहते हैं जी इफ इफ एन एक्ट हैज बीन डन बाय कंपनी इरेग्युलरली इरेग्युलरली दैट इज नॉट इन कंप्लाइज ऑफ इट्स प्रोविजन्स स्टेटेड इन एमओए एंड एओए स्टेटेड इन एमओए एंड एओए कॉमा देन कंपनी शैल नॉट बी हेल्ड लाइबल कंपनी शैल नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर सच कॉन्ट्रावेंशन एज इट वॉज ड्यूटी ऑफ अदर पार्टी टू रीड द कंटेंट्स ऑफ एमओए एंड एओए एंड रेज ऑब्जेक्शन इफ एनीथिंग इनकंसिस्टेंट हैज हैपेंड। ये बात समझ आई जी, जवाब दीजिए बच्चे। इफ एन एक्ट, इधर देखिए कह रहा जी इफ एन एक्ट हैज बीन डन बाय कंपनी इरेगुलरली दैट इज नॉट इन कंप्लाइंस ऑफ इट्स प्रोविजंस जो एमओए और एओए में लिखे हैं, देन कंपनी शैल नॉट बी हेल्ड लाइबल। व्हाई? बिकॉज इट वॉज द ड्यूटी ऑफ अदर पार्टी टू रीड द कंटेंट्स ऑफ एमओए एंड एओए, और अगर वो पढ़ के आया होता तो वो कंपनी को बोल देता जी ये गलत कर रहे हो आप, एमओए में ऐसा नहीं लिखा या एओए में ऐसा नहीं लिखा। यस और नो? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी कंपनी पढ़ाने की है और मेरी कंपनी कहती है कि निकिता जी हम आपको जलेबी बेचे, तो उल्टा आपको मना करना चाहिए कि हमें सर आप तो बेच ही नहीं सकते, आपकी कंपनी का ऑब्जेक्ट नहीं है, उल्टा आप कह रहे हो सर बेचो जलेबी। तो कहने का मतलब क्या है कि आउटसाइडर जब कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो एमओए और एओए को पढ़ के आए, क्योंकि अगर कल को आपको बाद में पता चला कि कंपनी ने एमओए को ऑब्जर्व नहीं किया था तो आप कंपनी का कुछ नहीं उखाड़ सकते, आप कंपनी के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि ये डॉक्ट्रिन बोलती है कि गलती आपकी है, आपको एमओए एओए पढ़ के आना चाहिए था। यस और नो? क्लियर है? तो क्या मैं यहां पर यह कह सकता हूं बच्चे, देखिए क्या मैं यहां पर यह कह सकता हूं अगर मैं अपनी भाषा में बोलना चाहूं कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज अ पार्शियल डॉक्ट्रिन। हाँ या ना? ये पार्शियलिटी कर रहा है। यस और नो? ये एक पार्शियल प्रिंसिपल है। हाँ या ना? क्यों पार्शियल है? क्योंकि ये फेवर कर रहा है कंपनी को एंड ऑब्लाइज कर रहा है आउटसाइडर को। यस और नो? कंपनी को फेवर कर रहा है कि अगर आपने कुछ गलत काम किया तो आप रिलैक्स हो जाओ, आपको डरने की जरूरत नहीं है। डरेगा कौन? आउटसाइडर जो कि एमओए पढ़ के नहीं आया था। मतलब आप इनरेगुलरिटी कर रहे हो, करो, अगर सामने वाले ने पकड़ा तो फिर आगे कंटिन्यू मत करना गलत काम, लेकिन अगर उसने नहीं पकड़ा तो चलने दो। यही मतलब हुआ ना इसका? यस और नो? अगर मैं इसको देखिए, मैंने जितना भी आपको लिखवाया है अगर मैं इसको एक सांस में पढ़ना चाहूं तो देखिए यहां से नजर आ रहा है नहीं आ रहा? ये देखो, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इट्स इंपॉर्टेंट चार्टर्स एमओए एंड एओए आर फाइल्ड बाय कंपनी टू ROC and are simultaneously uploaded by ROC on its website, right? After being uploaded, those will be deemed as available for inspection in public domain and shall be deemed as notice to the public. Therefore, any person entering into the contract with companies under obligation before entering into the contract से MOA AOA पढ़ के आना चाहिए। आया ना? आगे कह रहा है जी कंक्लूजन, अगर कल को पढ़ के नहीं आता और कंपनी कोई भी रेगुलरिटी करती है तो गलती आपकी मानी जाएगी, क्योंकि आपने ऑब्जेक्शन रेस नहीं किया था, और ऑब्जेक्शन आप तभी रेस करते जब आप एमओए को
पढ़ के आते हैं, राइट। कंक्लूजन, यहां पर ये एक पार्शियल प्रिंसिपल है जो कंपनी को फेवर कर रहा है और आउटसाइडर की लगा रहा है, यस और नो, जवाब दीजिए। चले आगे, अब सुनिए, अब जब आप इतना सब कुछ लिख दोगे तो इसमें आपको मिलेंगे 6 में से 3 नंबर, क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसके बिना ये डॉक्ट्रिन पूरी हो ही नहीं सकती। देखिए क्या कहता है केस का नाम, अब मत लिखिएगा, पहले सुनिएगा, नजर हटी दुर्घटना घटी हो जाएगा। देखिए, ये सब नोट कर लिया ना यहां तक, अब देखिए बेटा इधर केस का नाम क्या है, देखिए केस का नाम है कोटला वेंकट स्वामी, कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस चिंता राम मूर्ति, ठीक है जी। ये केस है 1934। इस केस में क्या हुआ था बेटा, सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, नजर हटी दुर्घटना घटी हो जाएगा, सुनिए इधर प्लीज, अब नोट डाउन नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है, ओके जी। देखिए इधर, एक कंपनी थी उसका नाम था साउथ इंडिया एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल इंप्रूवमेंट कंपनी लिमिटेड, इंडस्ट्रियल इंप्रूवमेंट कंपनी लिमिटेड, ये इस कंपनी का नाम है। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में अपनी भाषा में SIL बोल दूंगा, SIL अपने लिए याद रहेगा जी, साउथ इंडिया एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल इंप्रूवमेंट कंपनी लिमिटेड, SIL, ठीक है जी। इनकी कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, इनकी कंपनी को कितना पैसा चाहिए था, सुनिए बेटा ध्यान से, इनकी कंपनी को चाहिए थे 2000 रुपए, ठीक है जी, इनकी कंपनी को 2000 रुपीज की रिक्वायरमेंट थी, क्लियर है ये बात। जब 2000 रुपीज की रिक्वायरमेंट थी तो इन्होंने बात करी, इनकी कंपनी ने बात करी कोटला वेंकट स्वामी से, ठीक है जी। कोटला वेंकट स्वामी कहता है जी देखो ऐसा है, 2000 रुपए तो मेरे पास है नहीं, मेरी औकात देख के बात करो, उस जमाने में 2000 रुपए बहुत होते थे यार, 1930s की बात है। कह रहे जी मेरे पास 2000 रुपए नहीं है, कह रहे अच्छा 1000 रुपए दे देगा, बोला हाँ 1000 रुपए दे दूंगा। तो कोटला वेंकट स्वामी ने इनकी कंपनी को ₹1000 का लोन दे दिया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, क्लियर है जी ये बात। तो जब इसने लोन दिया तो कोटला वेंकट स्वामी ने कहा कि मैं आपको लोन दूंगा, उसके बदले में आप मुझे क्या दोगे, आप मेरे पास क्या गिरवी रखोगे। तो इस कंपनी ने बोला कि इसके बदले में हम आपके पास अपनी एक एसेट गिरवी रखेंगे, तो आपका और हमारा एक मॉर्गेज डीड साइन होएगा, आपके और हमारे बीच में एक मॉर्गेज डीड साइन होगी। किस किसके बीच में, कंपनी और कोटला वेंकट स्वामी के बीच में, यस ऑर नो। इस मॉर्गेज डीड के अंदर क्या होगा, मॉर्गेज डीड में मॉर्गेज की टर्म्स होती है, मॉर्गेज है मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी रखी होगी, दो पार्टी से, इधर से कोटला वेंकट स्वामी और इधर से कंपनी, हाँ या ना। तो कंपनी के बिहाफ पे किस किसने साइन किए, कंपनी के बिहाफ पे कंपनी की कॉमन सील लगी थी, कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर्स होते हैं, हाँ या ना। हालांकि 2015 के बाद बोला गया कि कंपनी को कॉमन सील लगाना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है का मतलब है तो लगानी पड़ेगी, नहीं है तो बनवाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि है और नहीं लगा रहे, लॉ में लिखा गया कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट में कॉमन सील लगानी है इफ एनी, अगर है तो इसका मतलब नहीं है तो ना लगाओ, लेकिन है और नहीं लगा रहे तो ये गलत माना जाएगा, ये बात समझ आ गई, क्लियर है। उस जमाने में कॉमन सील मैंडेटरी थी, कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर्स होते हैं, पता है हमें ये बात। तो कंपनी ने कॉमन सील लगाई, साथ में सीएस के साइन करे, साथ में वर्किंग डायरेक्टर के साइन करे, वर्किंग डायरेक्टर के साइन हो गए, क्लियर है ये बात, इसमें कोई डाउट। तो माय पॉइंट इज, यहां तक हमें कहानी समझ आई कि सर सबसे पहले तो ये कंपनी का नाम है पॉइंट नंबर 1 SIL, इस कंपनी को लोन चाहिए था, कोटला वेंकट स्वामी ने इनको लोन दिया और मॉर्गेज डीड साइन कर ली जिसके अंदर कोटला वेंकट स्वामी के भी साइन है और साथ में कंपनी की कॉमन सील है, कंपनी के सीएस के साइन और वर्किंग डायरेक्टर के साइन है, ठीक है जी। अब बात हो गई, 2 साल हो गए खत्म बेटा, इधर आफ्टर 2 ईयर्स ये गया कंपनी के पास पैसे मांगने के लिए, जाएगा ना भाई कि मेरे पैसे दो, ठीक है जी। इसने पैसा क्लेम किया कि मेरे फंड, मैंने आपको उधार दिया था, वो उधार प्लीज आप मुझा चुकाइए, ठीक है जी। कंपनी यहां पर बोलती है इसको, कंपनी इसको कहती है
बाबू जी आप कौन से पैसे की बात कर रहे हो, कौन सा पैसा हमने आपसे लिया? अब किसी की भी जान निकलेगी यार, हाँ या ना? एक तो भाई साहब हमने आपकी कंपनी को लोन दिया, मॉर्गेज डीड साइन करी हुई है, आपकी मॉर्गेज डीड हमारे पास एक कॉपी पड़ी हुई है, उस मॉर्गेज डीड में लिखा हुआ है कि हम आपको 1000 रुपए का लोन दे रहे हैं 2 सालों के लिए 10% ब्याज पे, और 2 साल के बाद हम आते हैं तो आप कहते हो कौन से पैसे, राइट? अब सुनिए ध्यान से इधर ऑल ऑफ यू। तो कोटला वेंकट स्वामी जो है, इसने क्या करा, इसने उस कंपनी के पास जाके उस कंपनी को मॉर्गेज डीड दिखाई, ठीक है जी, और मॉर्गेज डीड दिखा के कहते जी ये वाली डीड याद है तुमको, तुमने मेरे से पैसे लिए थे। कहते यार हाँ अब याद आया कि हमने तेरे से कुछ पैसे वैसे लिए थे, ये मॉर्गेज डीड तभी की है, लेकिन सॉरी हमारी कोई लाइबिलिटी रीपे करने की नहीं बनती। हमारी क्यों लाइबिलिटी नहीं बनती रीपे करने की? क्योंकि ये मॉर्गेज डीड इनवैलिड है, ये मॉर्गेज डीड इज इनवैलिड, और जब ये मॉर्गेज डीड ही इनवैलिड है तो इसका मतलब ये हुआ कि लोन भी इनवैलिड है, हाँ या ना? जब लोन भी इनवैलिड है तो इसका मतलब ये कि भैया हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती, हाँ या ना? तो उसने कहा जी लोन इनवैलिड है, मॉर्गेज डीड वैलिड नहीं है, क्यों? इसमें तो तुम्हारी कंपनी की कॉमन सील भी है, इसमें तो तुम्हारी कंपनी के तेरे भी साइन है, वर्किंग डायरेक्टर के, सीएस के भी साइन है। कह रहा है भाई साहब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पढ़ के आओ, हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्लॉज नंबर 15 है, जिस क्लॉज के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगी तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंपनी की कॉमन सील प्लस कंपनी सेक्रेटरी के साइन प्लस वर्किंग डायरेक्टर के साइन प्लस मैनेजिंग डायरेक्टर के भी साइन होने चाहिए। इस डीड के अंदर देख एमडी के साइन है ही नहीं। तो वो कहते यार ये क्या बात हुई, एमडी के साइन चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा? कह रहे क्यों, तूने एमओए नहीं पढ़ा था? कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहती है कि तेरे को एमओए पढ़ के आना पड़ेगा, हाँ या ना? जवाब दो, क्लियर है बच्चे? अब ये भी जाना तो फंस गया, ये कहता जी मैं कुछ नहीं जानता, और इसने फाइनली कोर्ट में केस कर दिया। केस किस पे किया? कंपनी पे तो कर नहीं सकता, कंपनी पे कैसे करेगा केस, क्योंकि कंपनी जो है वो तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहती है कि अगर आपने एमओए के बाहर काम किया तो कंपनी लाइबल नहीं है। यही बता रहा था ना मैं कि कंपनी की गलती नहीं मानी जाएगी। देखो मैंने यहां लिखा था ऊपर, इस लैंग्वेज को पढ़िए, कंपनी शैल नॉट बी हेल्ड लाइबल, हाँ या ना? भाई जब कंपनी लाइबल ही नहीं है तो आप केस तो कर नहीं सकते। तो इसने कहा अच्छा कंपनी लाइबल नहीं है ना, बेटा तेरे को नहीं छोड़ूंगा, चिंता राम मूर्ति। तो इसने राम मूर्ति पे केस कर दिया, ठीक है जी। और कोर्ट में जब ये गया, जब ये राम मूर्ति कोर्ट में गया, तो कोर्ट में जाने के बाद कहता है माय लॉर्ड मेरे को कंपनी ने पैसे लिए, मेरे से लोन लिया, बाद में कंपनी कहती है मैं नहीं दे रही, मॉर्गेज डीड वैलिड नहीं है। कोर्ट कहता है क्यों वैलिड नहीं है जी? वो कहते हैं माय लॉर्ड इसमें एमडी के साइन ही नहीं है। कहता है माय लॉर्ड बताओ मेरे को कहां से एमडी के साइन होंगे पता चलेगा? कोर्ट ने भी बोला क्यों, एमओए नहीं पढ़ा था, एओए नहीं पढ़ा था, राइट? वो कहते हैं माय लॉर्ड मेरे को एमओए कहां से मिलता? कहते हैं क्यों, कंपनी से मांगता, नहीं तो आरओसी के पास चला जाता, उस जमाने में ऑनलाइन तो होता नहीं था, नहीं तो आरओसी के दफ्तर चला जाता, मिल जाता तेरे को। ये तेरी गलती थी कि तेरे को एमओए पढ़ के आना चाहिए था, तूने नहीं पढ़ा, तो सॉरी हम इसमें तेरी कोई मदद नहीं कर सकते। एंड फाइनली जो कोटला वेंकट स्वामी था ही लॉस दी सूट, बाबूजी केस हार गए। समझ आई कहानी, यस और नो? जवाब दो। देखो इधर ध्यान से सुनो, जब कोर्ट में बहस हुई थी ना, इधर देखिएगा, जब कोर्ट में बहस हुई थी, जब भी कोर्ट में बहस होती है आर्ग्यूमेंट्स की स्टेज आती है, जब कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स हुए तो कोर्ट में कोटला वेंकट स्वामी बोलता है जी आई हैव नॉट कंसल्टेड एमओए एंड एओए, मैं एमओए एंड एओए पढ़ के नहीं आया, यस और नो? ठीक है जी। कोर्ट कहता जी क्यों नहीं पढ़ के आया? कहता जी बताओ व्हाई शैल आई डू सो, व्हाई शैल आई रीड, मैं नहीं पढ़ के आया तो क्या फर्क पड़ता है, कंपनी को तो पता था कि कंपनी ये वाला गलत काम कर रही है, हाँ या ना? तो कोर्ट कहता है नहीं जी कंस्ट्रक्टिव नोटिस को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, यस और नो? कंस्ट्रक्टिव नोटिस नीड्स टू बी फॉलोड।
और अगर आपने फॉलो नहीं किया तो सॉरी, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। उसने कहा माय लॉर्ड मैं इसका क्या करूं। कोर्ट ने कहा भैया फ्रॉड का केस करना है, अलग से कर दे, आईपीसी में फ्रॉड का केस कर, फोर्जरी का केस कर, वो तेरा मामला है, लेकिन कंपनी लॉ के अंदर सॉरी हम तेरी कोई मदद नहीं कर सकते। यस और नो, आया ना? क्या हमें पूरी कहानी के फैक्ट समझ आए? सबसे पहली चीज, केस का नाम क्या है? कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस राम मूर्ति। कौन से ईयर में हुआ? 1934 में। ये जजमेंट वाला ईयर होता है। सर केस का नाम, कंपनी का नाम क्या था? साउथ इंडिया एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल इंप्रूवमेंट कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी को 2000 रुपए का लोन चाहिए था, 1000 रुपए का दिया कोटला वेंकट स्वामी ने। मॉर्गेज डीड साइन हो गई, कंपनी के इसके साइन थे जो लोन दे रहा था, साथ में कंपनी की तरफ से कॉमन सील सीएस के साइन एंड वर्किंग डायरेक्टर के साइन थे, एमडी के साइन नहीं थे। वर्किंग डायरेक्टर जो था उसका नाम था चिंताराम मूर्ति। जब उसने हार के पैसे नहीं दिए कंपनी को, उसने बोला मॉर्गेज डीड वैलिड नहीं है, तो उसने कंपनी का तो कुछ उखाड़ नहीं सकता था, इसलिए उसने आप पे इंडिविजुअली केस किया, तब भी वो हार गया। हाँ या ना? क्योंकि कंपनी लॉ के अंदर आपको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। वैसे आप कोई और रेमेडी लेना चाहो तो ले सकते हो अंडर अदर इनैक्टमेंट्स। यस और नो? हाँ या ना? एनी डाउट इन दिस? इससे रिलेटेड एक वीडियो है, एनिमेटेड वीडियो जो मैंने बना रखी है, एक बार पहले उस वीडियो को देखते हैं, आपको और बेटर क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है जी? Doctrine of Constructive Notice. Kotla Venkat Swami versus Chinta Ram Murthy, 1934. Signing of Mortgage Deed. Chinta Ram Murthy, Kotla Venkat Swami and CS. Chinta Ram Murthy on behalf of South India Agricultural and Industrial Improvement Company Limited mortgaged its property to Kotla Venkat Swami and borrowed Rs. 1000 to be repaid after 2 years with interest of 10% per annum. After 2 years, Kotla Venkat Swami calls Chinta Ram Murthy. Hello sir, Kotla Venkat Swami this side. I just called you to confirm that when am I getting my money back? I will let you know. No response has been received by Kotla Venkat Swami from Chinta Ram Murthy. Chinta Ram Murthy did not pick the call. लगता है I need to visit company office personally. Kotla Venkat Swami with Chinta Ram Murthy in his office. I am here to demand my money back. Which money? My 1000 rupees जो मैंने आपकी कंपनी को उधार दिए थे इस mortgage bond के against. याद आया? हाँ याद आया, पर सॉरी मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि ये mortgage bond valid नहीं है. Hence, there is no liability of our company. क्या मतलब? तुम ध्यान से देखो, हमारे कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज 15 में साफ साफ लिखा है कि कंपनी के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में वर्किंग डायरेक्टर और सीएस के साथ मैनेजिंग डायरेक्टर के साइन होना भी जरूरी है, बट इस मॉर्गेज डीड पर मैनेजिंग डायरेक्टर के साइन नहीं है. कोटला वेंकट स्वामी सूड चिंता राम मूर्ति. Courtroom. My lord, मैंने इनकी कंपनी को 1000 रुपीस का लोन दिया था against a mortgage bond to which they denied to repay. My lord, ये mortgage bond valid नहीं है क्योंकि as per articles of company,
कंपनी इज लायबल फॉर ऑल सच कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें अलोंग विद कॉमन सील CS, वर्किंग डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के साइन होंगे एंड आई एम सॉरी टू से बट इस मॉर्गेज बॉन्ड पर मैनेजिंग डायरेक्टर के साइन नहीं है। योर ऑनर, एट द टाइम ऑफ टेकिंग लोन इनकी कंपनी के वर्किंग डायरेक्टर एंड CS ने सिग्नेचर्स किए एंड हाउ डू आई कम टू नो कि मैनेजिंग डायरेक्टर के साइन भी रिक्वायर्ड है? क्यों, तुमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? कोटला वेंकट स्वामी, फर्क पड़ता है। मैं कुछ समझा नहीं माय लॉर्ड। एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, एवरी पर्सन डीलिंग विद कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू रीड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी थॉरली बिफोर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। और आपको भी कंपनी को लोन देने से पहले मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ना चाहिए था। अगर आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पढ़ा होता तो आपको ये पता चल जाता कि ये मॉर्गेज बॉन्ड वैलिड नहीं है एंड यू शुड नॉट गिव लोन। बट माय लॉर्ड, फ्रॉम वेयर शुड आई गेट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? यू शुड हैव डिमांडेड द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फ्रॉम कंपनी इटसेल्फ और यू मे हैव मेड इंस्पेक्शन अबाउट कंपनीज आर्टिकल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ ROC। बट माय लॉर्ड, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दैट इज द इम्पॉर्टेंट चार्टर ऑफ द कंपनी हैज टू बी सबमिटेड बाय इट्स प्रमोटर्स with ROC and such documents are made available by ROC in public domain. Any person who has not consulted the article of company shall has to bear its adverse consequences. The court rejects the claim made by Kotla Venkat Swami. हाँ जी, कहानी पूरी समझ आई? क्लियर है सबको? तो मोरल ऑफ दी स्टोरीज के यहाँ पर गलती किसकी थी? यहाँ पर गलती कोटला वेंकट स्वामी की थी कि उसको पढ़ना चाहिए था। यस और नो? अगर इसका मतलब हम बात करें कंस्ट्रक्टिव नोटिस की तो हमें अच्छी तरह से क्लियर हो गई कि ये कंपनी को मजे दिलाती है, कंपनी को फेवर करती है और आउटसाइडर की लगा देती है, उस पर ऑब्लिगेशन डालती है कि आपको MOA पढ़ के आना पड़ेगा और अगर कुछ एडवर्स हुआ तो फिर इसमें आपको ही बेयर करना पड़ेगा, कंपनी इज नॉट लाइबल। अच्छा, आपको नहीं लगता जो जज की लैंग्वेज है और मेरी लैंग्वेज है बड़ी मिलती जुलती थी? वो इसलिए क्योंकि जज ने मेरी यूज नहीं की, मैंने जज की यूज की हुई है। ये जज की जेन्युइन लैंग्वेज है, जो जज साहब ने बोली थी उसी लैंग्वेज को मैं अभी जो ऊपर लिखवाया आपको सारा, ये सारा का सारा जो लैंग्वेज है, इट इज द ड्यूटी ऑफ कंपनी, इंपॉर्टेंट चार्टर, पब्लिक डोमेन, ये सारी की सारी लैंग्वेज वहीं से मैंने ली हुई है, राइट। हालांकि अब तो रट गई है इतने सालों में, बट मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपको क्लियर हो गया कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है? कहां तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है? ये सब कर लिया था ना हमने, यहां से नोट करना है, राइट? करो जी।
हाँ जी, तो यहां तक हमें समझ आ गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कोटला वेंकट स्वामी वर्सेज राममूर्ति क्या बोलता है, राइट। अब सुनिएगा बेटा ध्यान से, आपके एग्जाम में एक केस स्टडी आएगी, या तो ये डायरेक्टली भी पूछ सकता है या केस स्टडी की फॉर्म में पूछ सकता है। पहले उस केस स्टडी को समझते हैं। देखिएगा बेटा इधर ऑल ऑफ यू, एक मिस्टर ए है, इस मिस्टर ए ने पीक्यूआर लिमिटेड कंपनी के बॉन्ड्स खरीद रखे हैं। मेरी बात को सुनिएगा इधर बड़े ध्यान से, जो मैं बोलना चाह रहा हूं बच्चे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनिएगा। मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए जो है इसने बहुत पैसा कमाया, सारी जिंदगी मेहनत की और ये 100 करोड़ का आदमी बन गया, ठीक है। अब इसने सोचा कि यार मैंने ना बहुत मेहनत कर ली है, मैं अब और मेहनत नहीं कर सकता, अब मेरी एज हो गई है 40-45 साल की, नाउ आई वॉन्ट टू हैव रेस्ट, ठीक है जी, समझ आ रही है बात, और मैं अपना पूरा पैसा जो है वो यहां पर इन्वेस्ट कर दूंगा, पीक्यूआर लिमिटेड के अंदर इन्वेस्ट कर दूंगा और हर साल मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, यस और नो। मैं सिक्योर्ड बॉन्ड्स को परचेज करूंगा और जब मैं सिक्योर्ड बॉन्ड्स को परचेज करूंगा तो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ या ना, ठीक है जी। अब पीक्यूआर लिमिटेड जो है वो एक साल के बाद ही तो इंटरेस्ट देगी, यस और नो। कहानी यहां तक समझ आई, मिस्टर ए अमीर आदमी, बहुत मेहनती आदमी, पूरी जिंदगी में 100 करोड़ रुपया कमाया, सारा जितनी एसेट्स बनाई सब बेच दी, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया ताकि उसको पीक्यूआर में इन्वेस्ट कर सके, हाँ या ना। और अब सपने ले रहा है, किस चीज के सपने ले रहा है कि भाई आफ्टर वन ईयर, ड्रीम कर रहा है ना कि आफ्टर वन ईयर मेरे को पैसा मिलेगा, हाँ या ना। भाई 10% इंटरेस्ट है तो इसका मतलब मेरे को कितना पैसा मिलेगा, 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, यस और नो। इतना तो मैं मेहनत करके नहीं कमाता था, तो घर वालों को बड़ा खुश कर रहा है, बोल मम्मी आपको क्या चाहिए, बोल बेटी तेरे को क्या चाहिए, बोलो पिताजी आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, बहुत पैसा है अपने पास, राइट, हमारे पास अच्छा खासा रिटर्न आने वाला है, ये बात समझ आ रही है, डन जी। अब जिस दिन एक साल पूरा हुआ, ये बेचारा नहा धो के अपना अपने घर के बरामदे में रेडी होके बैठ गया, राइट, क्लियर है दी ये बात, डन। अब यहां पर मतलब आ गया आफ्टर वन ईयर, तो ये आ गया टाइम आफ्टर वन ईयर, ठीक है जी। अब ये बेचारा घर में पूरी फैमिली के साथ बैठा हुआ है, सबकी, खुद तो काम करता नहीं, बाकी सबकी छुट्टी करा लीजिए, बैठ गए आज, अपने को चेक आने वाला है 10 करोड़ रुपए का, चेक मतलब वारंट बोला करते थे, ठीक है जी, ये बात क्लियर है। तो इसका मतलब पहला पॉइंट क्या हुआ जी हमारा इसका एग्जाम्पल का, कि इसने सिक्योर्ड बॉन्ड्स खरीदे कितने के, 100 करोड़ रुपीज के, फिर उसके बाद सपना देख रहा है कि अपने पास एक साल के बाद रिटर्न आएगा, डन। अब जब एक साल हो गया उसके बाद तो रिटर्न ही नहीं आया, भाई साहब पूरा दिन धूप में बैठे रहे अपना बरांडे के अंदर, कोई आया ही नहीं, बोला यार चलो हो सकता है कि आज डाकिया वाकिया ना आया हो, एक आधा दिन लेट हो जाता है, अभी बेचारा सबर कर रहा है, अगले दिन फिर नहा धोके तैयार होके बैठ गया, फिर भी नहीं आया। 3 दिन हो गए ये देख रहा है यार मेरे को तो वारंट ही नहीं आ रहा, इसने क्या करा, बाकी दोस्तों को फोन करा, बाकी सब दोस्तों को फोन करा, यार ऐसे ऐसे तुमने भी मेरे साथ बॉन्ड खरीदे थे तो तुमको चेक आया क्या इंटरेस्ट का, किसी ने कहा नहीं हमें नहीं आया, तसल्ली होगी किसी को नहीं आया, हाँ या ना। हम ऐसी तो करते हैं, हमारे घर की लाइट जाती है हम सबसे पहले क्या करते हैं, पड़ोसी की देखो गई है कि नहीं गई है, अच्छा उसकी भी गई है फिर ठीक है, राइट। वही वाला हाल इसका हुआ जी, सबसे पहले तो बाकियों को मिला, नहीं मिला, चलो रिलैक्स हो गया। अब धीरे धीरे बाकियों का मिलना शुरू हो गया, सबको फोन आ गया, हाँ यार हमें तो मिल गया, हमें तो मिल गया, इसी को नहीं मिला, ठीक है जी। ये बात रोज बिचारा पोस्ट ऑफिस में डाकिये को भी फोन करे, कुछ आया, कहते नहीं जी तेरी कोई चिट्ठी नहीं आई। तो एट लास्ट इसने फाइनली कंपनी को क्लेम डाला, इसने कंपनी से क्लेम किया, जी मैं अपना बॉन्ड होल्डर हूं आपका और आपने मेरे को कोई इंटरेस्ट वगैरह पे ऑफ नहीं किया, हाँ या ना, ठीक है जी। कंपनी कहती है जी, कंपनी का आगे से रिप्लाई आया, पहले कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपने रिकॉर्ड में चेक किया, और जब कंपनी ने रिकॉर्ड में चेक किया तो कंपनी को तो कहीं पे इसका नाम मिला नहीं, तो कंपनी इसको कहती है जी सॉरी हमारे पास तो कोई नाम है ही नहीं आपका रिकॉर्ड में, तो कंपनी ने इसको बोला नो नॉट नेम्ड इन रजिस्टर, हाँ या ना, कि आपका नाम
रजिस्टर ऑफ बॉन्ड होल्डर्स में नहीं है। ये कहता है जी ऐसे कैसे नहीं है, मैंने तो बॉन्ड्स खरीदे, मैं तुम्हारे पास बॉन्ड का सर्टिफिकेट लेके आऊंगा। अब देखिए इधर ध्यान से, ये बाऊजी जो है ये बॉन्ड सर्टिफिकेट लेके कंपनी के पास चले गए, ठीक है जी, इसमें कोई डाउट? ये बॉन्ड सर्टिफिकेट लेके कंपनी के पास चले गए। पहले बताओ ये छह स्टेजेस, अब देखो मैं चार्ट की फॉर्म में बना रहा हूं, केस स्टडी तो थियरी में ही आएगा। मिस्टर ए ने 100 करोड़ रुपीस के सिक्योर्ड बॉन्ड खरीदे पीक्यूआर के, एक साल के बाद वेट कर रहा था इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट नहीं आया, खुद ही क्लेम करने चला गया, कंपनी ने चेक किया, चेक करके बोला आप हमारे बॉन्ड होल्डर नहीं हो, आपका नाम रजिस्टर ऑफ बॉन्ड होल्डर्स में नहीं है, और ये बॉन्ड सर्टिफिकेट लेके कंपनी के पास चला गया। क्लियर है जी ये बात? अब जब कंपनी ने, इधर देखिएगा, जब कंपनी ने उस बॉन्ड सर्टिफिकेट को देखा तो उस बॉन्ड सर्टिफिकेट के अंदर, उस बॉन्ड सर्टिफिकेट के अंदर कंपनी की कॉमन सील लगी थी, कंपनी के सीएस के साइन थे और कंपनी के डायरेक्टर के साइन नहीं थे, ठीक है जी। तो कंपनी ने कहा जी ये बॉन्ड सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है क्योंकि इसमें डायरेक्टर के साइन नहीं है, इसका मतलब सीएस जो है उसने आपको बेवकूफ बनाया 100 करोड़ के बॉन्ड, क्योंकि सीएस के पास ही कॉमन सील होती है, उसने अपना साइन करा, स्टैंप लगाई, कॉमन सील लगाई, कॉमन सील लगा के आपको सर्टिफिकेट देके पैसे ले गया वो, और कंपनी छोड़ के जा चुका है, आप तो पता नहीं वो कहां पे है, तो सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते। इसने कहा ऐसे कैसे, व्हाट डू यू मीन बाय सॉरी आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी कंपनी का बॉन्ड है, मेरे को पैसे चाहिए। अब जो मिस्टर ए है वो कोर्ट में केस फाइल कर देता है, जो मिस्टर ए है ही मूव्स टू द कोर्ट ऑफ लॉ। तो मिस्टर ए ने अब इसके अगेंस्ट, पीक्यूआर लिमिटेड के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अब कहता है जी बताओ एग्जामिन करो ये केस जीतेगा या हारेगा, बताओ जी, बोलो जी। जब ये बॉन्ड सर्टिफिकेट लेके गया था उसके बाद कंपनी ने उस बॉन्ड सर्टिफिकेट को चेक किया, चेक किया तो पता चला उसमें डायरेक्टर के साइन नहीं है जबकि होने चाहिए थे। अब ये कहता है जी मेरे को थोड़ी पता था डायरेक्टर के साइन होने चाहिए, एग्जामिन करो जीतेगा हारेगा, हारेगा, क्यों हारेगा? क्योंकि सर अगर ये एओए पढ़ के आया होता, हाँ या ना, तो अगर इसने एओए पढ़ा होता तो इसको पता होता कि कॉमन सील के साथ साथ सीएस के साथ साथ डायरेक्टर के भी साइन चाहिए, यस और नो? क्योंकि ये पढ़ के नहीं आया था मतलब इसने कंस्ट्रक्टिव नोटिस को कंप्लाई नहीं किया, यस और नो? तो इस केस में पीक्यूआर इज नॉट लाइबल, हाँ या ना? तो इस केस में कौन सी डॉक्ट्रिन अप्लाई हुई? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, यस और नो? एम आई क्लियर? पक्का कर ले एक बार इसको नोट। तो इस केस में जब ऐसा कोई केस आएगा, क्वेश्चन केस स्टडी आएगी, तो यू हैव टू गिव रेफरेंस दैट द फैक्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम आर सिमिलर टू द केस ऑफ कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस चिंताराम मूर्ति। तो उस केस में कोटला वेंकट स्वामी को पैसा नहीं मिला था, इसलिए यहां पर भी मिस्टर ए को पैसा नहीं मिलेगा, यस और नो? डन जी, क्लियर है? नोट कर लो इसको।
हाँ जी डन हो गया जी। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? अगर हम बात करें तो अभी तक हम लोगों ने एमओए चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा, सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होते हुए कंपनी के जो एमओए और एओए है वो आरओसी को जाते हैं। चैप्टर का नाम है एमओए एंड एओए। पता नहीं अभी हमें होते क्या है, इतना पता है दो इंपॉर्टेंट चार्टर्स हैं जिसके बिना कंपनी काम नहीं कर सकती, काम छोड़ो फॉर्म ही नहीं हो सकती। यस और नो? तो ये डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास गए, आरओसी ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया mca.gov.in में, मतलब वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। कोई भी आउटसाइडर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसको पढ़ के आए, क्योंकि अगर आप पढ़ के नहीं आते हो और कंपनी कोई भी इरेगुलरिटी करती हो और आप उसे पकड़ नहीं पाते तो यहां पर गलती आपकी मानी जाएगी। तो ये वन साइडेड डॉक्ट्रिन है जो आउटसाइडर पे ऑब्लिगेशन डालती है और कंपनी को सपोर्ट करती है। यस और नो? डन जी। केस का नाम कोटला वेंकट स्वामी वर्सेज चिंताराम मूर्ति 1934। डन जी, चले आगे। राइट, तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ने के बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट डॉक्ट्रिन पे जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, बेटा जब हम बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की तो बड़े ध्यान से देखिएगा प्लीज ऑल ऑफ यू। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है ये बात करती है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल वर्किंग की, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल वर्किंग। बेटा ध्यान से देखिएगा प्लीज ऑल ऑफ यू, अगर हमें डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझ आ चुकी है तो उसके बाद इंडोर मैनेजमेंट समझ आएगी। अगर कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्लियर नहीं है तो यू कैन नेवर अंडरस्टैंड इंडोर मैनेजमेंट। ये बात समझ आती है? इंडोर मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की तो ये क्या बोलती है, सुनेगा इधर ऑल ऑफ यू जो मैं कह रहा हूं, कभी वर्ड सुने कॉम्प्लीमेंट करना, कॉम्प्लीमेंट करना या कंप्लीट करना, हाँ या ना? देखिए इधर ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक पार्शियल डॉक्ट्रिन थी जो कि आउटसाइडर पे ऑब्लिगेशन लगाती थी, आउटसाइडर को ड्यूटी देती थी, हाँ या ना? क्या ड्यूटी देती थी कि भाई साहब आप पढ़ के आओ एमओए एंड एओए, एंड कंपनी को राइट देती थी, कंपनी को राइट देती थी कि अगर कल को सामने वाला पढ़ के नहीं आया और कुछ गलत हुआ तो आपकी गलती नहीं मानी जाएगी। राइट बच्चे? लेकिन अब सुनिए ध्यान से, अब आई डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। एक चीज बताओ पहले, क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमें बचपन में पढ़ाया जाता था पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई साहब राइट्स एंड लाइबिलिटीज गोज हैंड इन हैंड या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज हैंड इन हैंड, हाँ या ना? पढ़ाया जाता था बचपन में हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स। सर ये बताओ कि यहां पर आउटसाइडर को ऑब्लिगेशन है, कोई राइट नहीं है, और कंपनी को राइट है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, यस और नो? तो कहता है यहां पर एक और डॉक्ट्रिन आई डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो कि आउटसाइडर को राइट देती है प्लस कंपनी पे ऑब्लिगेशन लगा देती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सर यह भी एक तरीके से पार्शियल डॉक्ट्रिन हुई, हाँ या ना? और इन दोनों को जब हम एक साथ पढ़ते हैं तब जाके फुल प्रिंसिपल कंप्लीट हो जाता है लॉ का। अब देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलती थी, इंडोर मैनेजमेंट उसको कैसे पूरा करता है, एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलती थी कि जब भी आप आउटसाइडर से डील, आउटसाइडर कंपनी से डील कर रहा है तो वो कंपनी का एमओए पढ़ के आए, उसकी ड्यूटी बनती है पढ़ के आए, क्योंकि कल को कुछ गलत हुआ तो कंपनी लाइबल नहीं है, कंपनी का राइट है कि कंपनी कह देगी जी सॉरी आई एम नॉट लाइबल, हाँ या ना? लेकिन अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलती है सुनिए, जो कोई इंसान कंस्ट्रक्टिव नोटिस को फॉलो कर रहा है, माने जो भी इंसान एमओए और एओए को पढ़ के आ रहा है, वो इंसान ये अज्यूम करेगा, वो इंसान ये प्रिज्यूम करेगा कि मैं जो भी पढ़ के आ रहा हूं कंपनी ने उसको कंप्लाई किया है। समझ आ रही है ये बात? अगर ऑन द फेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर सामने कोई इरेगुलरिटी नजर नहीं आ रही तो वो अंदर झांकने की कोशिश नहीं करेगा, वो ये अज्यूम कर लेगा कि कंपनी ने इसको फॉलो,
किया है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होती है बेटा जो क्लोज डोर पॉलिसी फॉलो करती है, बहुत सारी कंपनीज होती है जो क्लोज डोर पॉलिसी फॉलो करती है, अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन ज्यादा लोगों को बाहर नहीं देती, लेकिन कहता है जितनी एमओयू में दी गई है अगर वो इंफॉर्मेशन आप पढ़ के आए हो तो यू हैव अ राइट टू प्रिज्यूम, यू हैव अ राइट टू अज्यूम कि कंपनी ने उसको फॉलो किया होगा। हाँ या ना, ये बात समझ आई? सर ये जो डॉक्ट्रिन है इधर देखिए, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये डॉक्ट्रिन आउटसाइडर को राइट दे रही है? क्या आप अज्यूम करो कि कंपनी ने वो काम किया है? हाँ या ना, और कंपनी पे ड्यूटी लगा रही है, ऑब्लिगेशन लगा रही है कि जो एओए में लिखा है वो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, यस और नो? हाँ या ना, कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसको ड्यूटी देती है? बाहर वाले को कि तू पढ़ के आ, और इंडोर मैनेजमेंट उस बाहर वाले को राइट देती है कि तू जो भी पढ़ के आया है वो हम तू मान, तू अज्यूम करके कंपनी ने उसे कंप्लाई किया होगा, यस और नो? हाँ या ना, एक छोटा सा, पहले मैं इसकी थियरी नहीं लिखवा रहा, पहले मैं इसकी केस स्टडी भी नहीं लिखवा रहा, जो जैसे कोटला वेंकट स्वामी थी इसमें भी एक केस है, पहले ना मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कराता हूं। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ी थी ना ये वाली, कि ये बंदा है 100 करोड़ वाला आदमी, देखा था ना इसमें गलती किसकी थी? उस पर्सन की थी। क्या गलती थी? कि उसने एमओए नहीं पढ़ा था और उसको पता ही नहीं था कि डायरेक्टर्स के साइन होने चाहिए, यस और नो? इसलिए उसका 100 करोड़ रुपीज का लॉस हो गया था, राइट बच्चे? क्लियर है? अब देखिए ध्यान से जो मैं कह रहा हूं इधर, ऑल ऑफ यू, पहले केस स्टडी देखना। अब वो जो बंदा है बेचारा 100 करोड़ वाला, वो तो डूब गया, हाँ या ना? अब उसी मिस्टर ए ने दोबारा से अपनी लाइफ में खड़ा हुआ, दोबारा से सोचा मैं बहुत मेहनत करूंगा, और बहुत मेहनत करके उसने दोबारा से 100 करोड़ रुपीस कमा लिए, ठीक है जी? 100 करोड़ रुपए दोबारा कमा लिए। अब कई लोग लाइफ में अमिताभ बच्चन टाइप होते हैं, दोबारा से रिवाइव कर जाते हैं, हाँ या ना? और जब इसने 100 करोड़ रुपए दोबारा कमाए तो इसने सोचा अब मैं दोबारा से इन्वेस्ट करूंगा, जैसे PQR में किया था ना, अब मैं DEF लिमिटेड में इन्वेस्ट करूंगा। क्लियर है जी ये बात? दोबारा से बेचारे ने पैसे कमाए, पैसे कमा के सारी एसेट्स बेच दी, एंड फाइनली ये क्या कर रहा है? DEF लिमिटेड के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, अपने 100 करोड़ रुपीस के बॉन्ड्स परचेस कर रहा है, ठीक है जी? इधर देखिएगा बेटा ध्यान से, 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स इसने खरीद लिए, लेकिन अब क्योंकि एक बार बेचारा पहले नुकसान खा चुका है, खरीदने से पहले कंपनी का एमओए भी पड़ा होगा, हाँ या ना? कंपनी का एमओए पड़ा, कंपनी का एओए पड़ा। उस एओए के अंदर क्या लिखा हुआ था? उस एओए में लिखा हुआ था कि कंपनी के सीएस के साइन चाहिए, कंपनी की कॉमन सील चाहिए, कंपनी के डायरेक्टर के साइन चाहिए। क्लियर है जी ये बात? हाँ या ना? अब इस बार धोखा नहीं खाना चाहता तो इस बंदे ने क्या करा, कंसल्ट करा एमओए एंड एओए को, और कंपनी के 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स परचेज कर लिए, हाँ या ना? डन। अब सुनो ध्यान से, अब इस बेचारे ने क्या किया, फिर से एक साल वेट करी, एक साल का टाइम निकल गया, और फिर से एक साल में सपने ले रहा है कि हाँ जी अब तो इंटरेस्ट आएगा ही आएगा, यस और नो? और फिर से इस बार कंपनी ने इसको कोई इंटरेस्ट नहीं भेजा, फिर डर गया बेचारा, ना धोखे तैयार हुआ था, फिर से इंटरेस्ट नहीं मिला, यस और नो? तो इसका मतलब सेम हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो रही है, लेकिन इस बार इस बेचारे ने एमओए पढ़ा, एओए पढ़ा, माने कंस्ट्रक्टिव नोटिस को फॉलो किया, उसमें देखा कि बॉन्ड सर्टिफिकेट तभी वैलिड होगा जब कॉमन सील होगी, सीएस के साइन होंगे और डायरेक्टर के साइन होंगे, और इसने वही किया, हाँ या ना? और उसके बाद इसने एक साल तक वेट करी, एक साल के बाद इसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिला। अब ये कहता है जी मैं जाऊंगा कंपनी के पास, ये चला गया कंपनी के पास, और कंपनी को जाके कहता है, अप्रोच करता है, जी ऐसे ऐसे मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं मिला, हाँ या ना? कंपनी कहती है जी रुको हम अपने रिकॉर्ड में देखते हैं, कंपनी ने अपने रिकॉर्ड में देखा, कंपनी कहती है जी सॉरी आप तो हमारे बॉन्ड होल्डर हो ही नहीं, आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है? कहता है जी सर्टिफिकेट है। कहती है जी लेके आना। कहता है लेके नहीं आना, लेके आया हूं, पता था तुम बाद में कहोगे लेके आना, इसलिए देखो जी मैं अपना सर्टिफिकेट साथ लेके आया हूं, हाँ या ना? तो मेरे को नहीं पता, इस बार तो इंटरेस्ट लेके जाऊंगा, पिछली कंपनी में भी ऐसा हुआ था, हाँ या ना? तो कहने का मतलब सबसे पहली चीज, इसने एमओए पढ़ा, बॉन्ड्स परचेज कर लिए, ड्रीम कर रहा है इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिला,
कंपनी को अप्रोच किया, कंपनी ने रिकॉर्ड को चेक किया और रिकॉर्ड को चेक किया तो इसका कोई नाम ही नहीं था। अब इसका नाम नहीं था तो इसने कहा जी देखो मैं बॉन्ड होल्डर हूं, ये रहा मेरा बॉन्ड सर्टिफिकेट, राइट। अब सुनिएगा ध्यान से, अब क्या हुआ, इधर देखिए बेटा, अब जो DEF कंपनी है इसने देखा कि इसमें कॉमन सील है, इसने देखा कि इसमें CS के साइन भी है, इसमें देखा कि इसमें डायरेक्टर के साइन फोर्ज्ड है, डायरेक्टर के नकली सिग्नेचर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो CS था इस कंपनी का उसने क्या करा, कॉमन सील लगाई, साथ में CS के साइन करे, अपने साइन करे, साथ में डायरेक्टर के जाली साइन कर दिए, आया ना, क्लियर है ये बात। अब कंपनी इसको कहती है जी सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते, ये जाली साइन है हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये बंदा कहता है ऐसे कैसे नहीं कर सकते, फिर इस बंदे ने कंपनी पे केस फाइल कर दिया, हाँ या ना, ठीक है जी। अब फाइनली मिस्टर ए ने कंपनी पे सूट फाइल कर दिया, ही सूट कंपनी। अब बताओ इसको पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि सर ये MOA और AOA को पढ़ के आया था तो उसमें लिखा था CS के साइन होने चाहिए, साथ में कॉमन सील होनी चाहिए, साथ में डायरेक्टर के साइन, और इसने बॉन्ड सर्टिफिकेट लेते हुए देखा कि हाँ कॉमन सील भी है, CS के साइन भी और डायरेक्टर के साइन भी है, फिर भी अगर नहीं मिला, मतलब साइन नकली थे, अब ये गलती किसकी है, कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट है ना। वो कहता है माय लॉर्ड मुझे क्या पता, मैं तो मानूंगा ना कंपनी सर्टिफिकेट दे रही है, जेन्युइन दे रही है, यस और नो, क्या मैं पूछूं साइन असली है नकली है। आप जब फीस पे करते हो, सर पापा ने चेक भेजा है, क्या मैं पूछूं बेटा पापा ने साइन घुमाए तो नहीं, बेटा जाली साइन तो नहीं है, है ना, मैं तो ट्रस्ट करूंगा। तो कहता है जी मैं MOA पढ़ के आया था, उसमें लिखा था, अगर साइन लिखे थे और ना होते मैं ना बोलता कुछ तब तो मेरी गलती होती जैसे ऊपर थी, है ना, क्योंकि मैं MOA पढ़ के नहीं आया था, यहां पर तो मैं MOA पढ़ के आया था और मैं अज्यूम करूंगा कि कंपनी ने जो साइन करे वो जाली नहीं है, जेन्युइन है, है ना। तो इस केस में बताओ ये केस जीतेगा या नहीं, यस जीतेगा, राइट, क्योंकि इस केस में आप बताओ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस लगेगी या इंडोर मैनेजमेंट, इंडोर मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल, हाँ या ना, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल, ठीक है बच्चे, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल, क्लियर है बच्चे, डन, क्योंकि भाई साहब वो पढ़ के आया है इसलिए वो मानेगा कि जो मैं पढ़ के आया हूं वो फॉलो हुआ है। अभी तक मैंने आपको इंडोर मैनेजमेंट की लैंग्वेज नहीं लिखवाई, उसमें जो केस लॉ है वो नहीं पढ़ाया, लेकिन हाँ आपको ये समझ आ गया कि कहां पे कंस्ट्रक्टिव नोटिस अप्लाई होगी और कहां पे इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई होगी, हाँ या ना, डन बच्चे, क्लियर है सबको। तो एक बार पहले हम इसको नोट डाउन करेंगे और फिर हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे इंडोर मैनेजमेंट की। ये बनाया ऊपर वाला, नहीं बना लो पहले इसको।
हो गया जी? नहीं हुआ अभी? कितने लोग अभी लिख रहे हैं? चले जी अब आगे, डन। अब देखिए बच्चे ध्यान से, अब हम लिखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में। देखिए बेटा क्या कह रहा है, देखिए प्लीज, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बच्चे ये क्या कहता है प्लीज एक बार समझते हैं। देखिए ध्यान से, मैं लिखूंगा, मेरे साथ साथ आप लिखना चाहो लिख सकते हो। समझ आपको आ गया है कि जो बंदा कंस्ट्रक्टिव नोटिस फॉलो कर रहा है, मतलब जो बंदा MOAOA पढ़ के आ रहा है, उसको ये राइट दिया जाएगा कि वो प्रिज्यूम करे कि जो मैं पढ़ के आ रहा हूँ कंपनी उसको फॉलो कर रही है, और अगर नहीं करती है और वो ऑन द फेस ऑफ डॉक्यूमेंट विजिबल भी नहीं है तो उसकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। यहाँ पे गलती कंपनी की है, क्योंकि वो प्रिज्यूम करेगा कि व्हाटएवर हैज बीन स्टेटेड इन AOA मैंने पढ़ लिया है, ये मेरी ड्यूटी थी, कंपनी उसे कंप्लाई करेगी, ये कंपनी की ड्यूटी है। यस और नो? राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट स्टेट्स अबाउट द राइट ऑफ प्रिजम्पशन, इट स्टेट्स अबाउट द राइट ऑफ presumption available to, it states about the right of presumption available to an outsider dealing with the company. पहले बताओ हाँ या ना, ये बात ठीक है कि ये एक प्रिजम्पशन की बात करता है, राइट? ये प्रिजम्पशन कौन कौन किसके लिए है? आउटसाइडर के लिए है, जो कंपनी के साथ डील कर रहा है। डन। देखिए आगे क्या कहता है, कहता है एन आउटसाइडर हु हैज कंसल्टेड और आई कैन से रेफर्ड द MOA एंड AOA of the company that is has complied with the principle of constructive notice. Is empowered with a right to presume. हाँ या ना? He is empowered with right to presume that whatever he has read in the charters of the company. Whatever he has read in the charters of the company, that is, whatever has been stated by the company in its MOA and AOA. देखिए बच्चे यहां तक पहले लाइन समझ आई, क्या कह रहा है ये, कि एन आउटसाइडर हु हैज कंसल्टेड MOA एंड AOA ऑफ द कंपनी दैट इज हु हैज कंप्लाइड विद द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज एम्पावर्ड विद अ राइट टू प्रेज्यूम दैट व्हाटएवर ही हैज रेड
in the charter of the company, that is whatever has been stated by the company in its MOA, has been complied, has been performed by the company, has been performed or followed by the company, in relation to such contract. हाँ या ना भाई, जो कुछ भी MOA AOA में लिखा हुआ है और उसमें से जो चीज हमारे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, कंपनी ने उसको कंप्लाई किया है, यस और नो? जवाब दीजिए प्लीज। इतनी बात समझ आती है? ठीक है जी। इसको दूसरी लैंग्वेज में, मैक्सिम होती है ना लॉ की लैंग्वेज, इसको मैक्सिम में बोला जाता है, देखिएगा बेटा ध्यान से, मैक्सिम में बोला जाता है ओमनिया प्रेसुमुंतर रित एसे एक्ट, ओमनिया प्रेसुमुंतर रित एसे एक्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डूइंग द राइट थिंग राइटली, डूइंग द राइट थिंग राइटली। वो ये मान रहा है, उसको ये राइट है प्रिज्यूम करने का कि कंपनी जो कुछ भी करेगी सही काम सही तरीके से करेगी। सही काम करना अलग बात होती है, सही तरीके से करना अलग बात होती है, ये सुन लो। आप सब लोग प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, सही है गलत है? सही है, आप लोग सही चीज कर रहे हो। जितनी मेहनत करनी चाहिए उतना नहीं कर रहे, हाँ या ना? कितने लोग कहते हैं हाँ सर हम उतनी मेहनत नहीं कर रहे? कितने लोग कहते हैं? इसका मतलब यू गाइज आर डूइंग राइट थिंग रॉन्गली, हाँ या ना? मतलब आप ओमनिया प्रेसुमुंतर को फॉलो नहीं कर रहे। ये क्या बोलता है? ये बोलता है राइट टू प्रिज्यूम है। आपको पता है जब मैं LLB कर रहा था, सुनिएगा, मैंने DU से LLB का एग्जाम दिया, मतलब एंट्रेंस दिया, क्रैक हो गया, DU में नंबर आया मेरा, फर्स्ट ईयर था, मेरे को पेपर नहीं देने दिया गया, निकाल दिया गया, क्योंकि मेरी अटेंडेंसी 3.67% या मे बी 2.67%, पूरे साल में 2 या 3 दिन कॉलेज गया था बस, और निकाल दिया, पेपर ही नहीं देने दिया। मैंने कहा बॉन्ड साइन करा लो, कहते बेटा ये बीकॉम नहीं है, बीकॉम ऑनर्स में ऐसे चलता ना, अब नहीं चलता। तो उन्होंने नहीं दिया, निकाल दिया, बोले दोबारा ये रिपीट करो। मैं जा ही नहीं सकता था, जॉब करता था कैसे जाता, शादी हो चुकी थी, जॉब करता था, नौकरी छोड़ के थोड़ी LLB करूंगा। तो फिर मैंने CCS से करी, मेरठ यूनिवर्सिटी, जिसका कोई नहीं होता उसका मेरठ यूनिवर्सिटी होता है नॉर्थ इंडिया में। यूनिवर्सिटी जरूर नकली है, लोग कहते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मैंने LLB असली की थी, मैंने पूरी ईमानदारी से लॉ की किताबें पढ़ी थी, कुंजी वगैरह वाला कोई चक्कर नहीं था, जनरली किताबें पढ़ी थी। जो लोग नहीं पढ़ते, यूनिक की चैंपियन आती है, 30 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 10 आते हैं, पेपर में 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, वो बात हो रहा है। मैंने भी वो यूनिक खरीदी थी, लेकिन सिर्फ पेपर वाले दिन पढ़ने के लिए, कि भाई सुबह पेपर है 7 बजे तो पता चल जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है, क्योंकि मार्क्स भी तो जरूरी है, पर पूरा साल हाथ नहीं लगाया था उसको, प्रॉपर लॉ वाली किताबें पढ़ी थी। समझ आ रही है बात? वहां पर क्या हुआ, कंपनी लॉ का पेपर था, CA को भी पढ़ाता था, CS को भी पढ़ाता था, CWA को भी पढ़ाता था, उस टाइम पे मैं तीनों इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ICAI, ICWI, ICSI, तब WI बोलते थे। तो कॉन्फिडेंस ही बहुत था, कंपनी लॉ का पेपर है, पढ़ के थोड़ी जाना है, मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं सारा दिन, खुद नहीं कर सकते पेपर। जब पेपर में मैं पहुंचा तो 10 क्वेश्चन आए, 10 में से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, 20-20 नंबर के, मेरे को 9 आते थे, 9, एक नहीं आता था, लेकिन मैं कोई भी 5 अटेम्प्ट करता था। मैं 4 अटेम्प्ट कर रहे 2 घंटे में, फिर मैं रुक गया, मैंने कहा यार ये आता क्यों नहीं है, अपने आप से ना बातें कर रहा हूँ, अपने आप पे गुस्सा कर रहा हूँ, डांट रहा हूँ अपने आप को, मैं लानत है तेरे पे यार, तू बड़ा लॉ एक्सपर्ट बनता है, तू लॉ कंसल्टेंट बनता है, कहने के लिए तेरे क्लाइंट्स है, तेरी कॉर्पोरेट क्लाइंटेज है, आता तेरे को क्वेश्चन नहीं है, कोई पूछ ले क्लाइंट तो बेइज्जती कितनी होगी, लेकिन वो आता ही नहीं था। मैंने बड़ा कोशिश किया, बहुत याद किया अपनी CA CS की किताबें, शायद कुछ हो भाई, सब कुछ याद नहीं आया, मकामी तू तो ऑथर भी बनने वाला है, शर्म नहीं आती। अब क्या हुआ, टीचर ना एक सेकंड के लिए बाहर गया, जैसे ही टीचर एक सेकंड के लिए बाहर गया, होता ना इन्विजिलेटर बाहर जाता है, एक आदमी था खड़ा हुआ, कहता ओमनिया प्रेसुमुंतर रित एसे एक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट होती है, ओमनिया प्रेसुमुंतर रित एसे एक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट होती है। जैसे ही उसने बोला, लिखना शुरू हो गया, अपन सब आता था इसके बारे में। जब पेपर खत्म हो गया तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सर आपने कौन सी किताब पढ़ी है लॉ की, आपको कैसे पता था कि ये ओमनिया प्रेसुमुंतर जो है ये इंडोर मैनेजमेंट का दूसरा नाम है? कहता है सर आपका सेकंड ईयर है, मैंने कहा हाँ जी, कहता कोई बैक वैक है, मैंने कहा नहीं, पहली बार दे रहे हो, कहता मैं तीसरी बार दे रहा हूं,
अच्छा ठीक है, तो एनी हाउ कहने का मतलब क्या हुआ, प्लीज इधर सुनिएगा ध्यान से। मोरल ऑफ दी स्टोरी इज कि जब हम बात करते हैं ओमनिया प्रेसिमेंटर की, तो ये एक डॉक्ट्रिन है, ये आपको किसी, ये जो मैगजीन है ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, आपका जो भी CACACW उसमें भी नहीं मिलेगी, LLB में भी नहीं मिलेगी। ये मैंने अपनी बुक में जरूर डाल रखी है, बहुत अच्छी मैगजीन है, ये पता होना चाहिए आपको। कभी कभी होता है ना, किसी को सामने वाले को पूछना तेरे को क्या आता है, हमसे पूछ रहा है, चल हम भी दो चार क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये पूछना, कुछ नहीं आता है। चले जी आगे, डन, समझ आती है कहानी, ओके हो गया जी। तो यहां तक हमें समझ आ गया, ये हमने लिख लिया था पूरा, लिखा है कि नहीं, लिख लिया। और ये भी समझ आ गया कि ओमनिया प्रेसिमेंटर रिटर्से एक्ट का मतलब क्या है, ड्यूरिंग द डूइंग द राइट थिंग राइटली, ये प्रेज्यूम करेगा कि कंपनी सही चीज को सही तरीके से कर रही है। डन, क्लियर है। अब देखिए इसके आगे मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए बेटा मेरे साथ साथ लिखेंगे प्लीज। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट फर्दर स्टेट्स, दैट अ पर्सन हु हैज रेड द कंटेंट्स ऑफ MOA एंड AOA has complied his part of obligation, and will not end up by bearing the loss, if any, due to non-observance of MOA and AOA by company। ये बताइए इतनी बात समझ आई हमें, जवाब दीजिए। कि सर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट फर्दर आगे ये कहती है कि जो भी बंदा MOA पढ़ के आ रहा है, मतलब उसने अपना पार्ट परफॉर्म कर लिया है, और अब अगर कंपनी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करती तो उसका खामियाजा उसे भुगतना नहीं पड़ेगा। किसको भुगतना पड़ेगा? कंपनी को भुगतना पड़ेगा, यस और नो? अब देखो सेकंड केस में जो एग्जांपल हमने पढ़ा था उसमें CS ने फ्रॉड किया, लेकिन उस केस में 100 करोड़ का फ्रॉड CS ने किया, लेकिन बॉन्ड होल्डर को कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसमें डायरेक्टर के साइन है, असली है नकली है ये कंपनी देखे, यस और नो? तो कंपनी को तो उस बॉन्ड होल्डर को 100 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तो यहां पर नुकसान किसका हो रहा है, गलती की वजह से, आउटसाइडर का या कंपनी का? कंपनी का। क्लियर है बात? कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहती है आउटसाइडर का नुकसान होगा, इंडोर मैनेजमेंट कहती है कंपनी का नुकसान होगा। डन, क्लियर है। और अब आप बताओ जब दोनों डॉक्ट्रिन्स को हम एक साथ पढ़ते हैं तो क्या वाकई में प्रिंसिपल पूरा कंप्लीट हो जाता है, हाँ या ना? राइट बच्चे? तो देखिए आगे ये क्या कह रहा है, इधर देखिएगा बच्चे, इसमें एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था जिसका नाम है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तर्कवान, रॉयल ब्रिटिश बैंक, इधर बच्चे, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तर्कवान, इधर देखिएगा ध्यान से जो मैं कह रहा हूं आपको, ऑल ऑफ यू, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, मेरी बात को सुनना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस है, नजर हटी दुर्घटना घटी हो जाएगा। 1856 का केस है ये, 1856 का केस है बेटा, देखिएगा प्लीज ऑल ऑफ यू, इधर मैं फिर बोल रहा हूं, नजर हटी दुर्घटना घटी हो जाएगा, इधर देख लो ध्यान से प्लीज ऑल ऑफ यू। एक कंपनी थी जिसका नाम था कैमरून कोलब्रुक, बहुत बड़ा नाम है इसका, कैमरून कोलब्रुक एंड स्वानसी लोहर एंड रेलवे कंपनी, ये बहुत बड़ा नाम है, कैमरून कोलब्रुक स्वानसी लोहर एंड रेलवे कंपनी, ठीक है जी। ये जो कंपनी थी कैमरून वाली, कैमरून कोलब्रुक शॉर्ट में, ये जो कंपनी थी रॉयल ब्रिटिश बैंक जो था इन्वेस्ट करना चाहता था, रॉयल ब्रिटिश बैंक चाहता था कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं, क्लियर है ये बात। तो रॉयल ब्रिटिश बैंक ने क्या किया, इनका सबसे पहले तो MOA एंड AOA
जो था इसको पढ़ा। यस ऑर नो, इसने एमओए एंड एओए को कंसल्ट किया, ये बात समझ आई। उसके अंदर लिखा हुआ था कि कंपनी जब भी किसी को बॉन्ड्स अलॉट करेगी, कंपनी जब भी किसी को बॉन्ड्स अलॉट करेगी तो बॉन्ड्स अलॉट करते हुए कंपनी पहले शेयर होल्डर्स का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेगी। क्लियर है जी ये बात। वेन एवर कंपनी विल इश्यू बॉन्ड्स, अलॉट बॉन्ड्स टू एनीवन, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी शेयर होल्डर्स की मीटिंग करेगी और मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेगी बाय द वे ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो जितने शेयर होल्डर्स आए आधे से ज्यादा का अप्रूवल लिया जाएगा। लॉजिकली बात ठीक है, डन जी। अब देखिए, तो रॉयल ब्रिटिश बैंक ने उसको पढ़ लिया और पढ़ने के बाद रॉयल ब्रिटिश बैंक ने कैमरून को एप्लीकेशन दे दी फॉर बॉन्ड्स। ठीक है जी, डन। और जो एप्लीकेशन थी फॉर बॉन्ड्स वो थे 2,000 pounds के बॉन्ड्स। इसमें कोई डाउट? दो बातें हो गई, ठीक है जी। कैमरून कंपनी ने क्या किया, कैमरून कंपनी ने अपने मेंबर्स की मीटिंग बुलाई। आप जानते हो एक होती है एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, वो तो साल में एक ही बार होती है, हाँ या ना। अगर बीच में कभी आपने बुलाना है तो फिर आप कौन सी मीटिंग करते हो, ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। यह बात समझ आई, अब सुनिए ध्यान से। कैमरून ने अपने मेंबर्स की ईजीएम करी और उस ईजीएम के अंदर ओआर पास कर लिया, ठीक है जी। इसका मतलब कंपनी एकदम सही चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, हाँ या ना। अगर आप अभी तक देखिए तो तर्कवंत का जिक्र भी नहीं है, वो कौन है? अभी तक तो तर्कवंत पिक्चर भी नहीं आया। पिक्चर में कौन है? कैमरून कोलब्रुक कंपनी, और जो कंपनी है उसका बॉन्ड होल्डर कौन बनना चाह रहा है? रॉयल ब्रिटिश बैंक। उसने पहले एमओए पढ़ा, एमओए पढ़ने के बाद अप्लाई कर दिया, कंपनी ने अपनी ईजीएम बुलाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो अदर देन एजीएम होती है, और उसमें ओआर पास कर लिया। क्लियर है ये बात। जब ओआर पास हो गया इसका मतलब कंपनी ने अपना रूल फॉलो कर लिया। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने रॉयल ब्रिटिश बैंक को मिनट्स दिखा दिए, देख ले भाई हमने रेजोल्यूशन पास कर लिया। मिनट्स होते हैं ना मीटिंग के, मीटिंग में क्या क्या होता है वो लिखा जाता है, हाँ या ना। तो मिनट्स दिखा दिए, और मिनट्स दिखाने के बाद कंपनी ने इसको बॉन्ड सर्टिफिकेट दे दिया। पहले बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक सबने सब कुछ सुन लिया भाई। उस बेचारे ने एमओएओए पढ़ा, उसके बाद अप्लाई किया, कंपनी ने भी एमओएओए को फॉलो किया, उसमें लिखा था ओआर पास करेंगे, ईजीएम करी, ओआर पास किया, उसके बाद मिनट्स भी दिखा दिए, देख भाई ओआर पास कर लिया। उसने कहा दिखाओ, मैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ के आया हूँ, उसमें लिखा था एमओए पढ़ के आया हूँ, तो उसमें लिखा था ओआर पास होना, दिखाओ। उन्होंने कहा देख भाई रेजोल्यूशन पास हो गया, और साथ में बॉन्ड सर्टिफिकेट दे दिया। क्लियर है? अब सुनेगा ध्यान से इधर ऑल ऑफ यू। विद इन द मीनवाइल ये जो कैमरून कोलब्रुक है इसके दिवालिए के हालात आ गए, और कैमरून कोलब्रुक ने अप्लाई कर दिया कोर्ट को फॉर इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी के लिए अप्लाई कर दिया। डन बच्चे। कैमरून कोलब्रुक, दोबारा से सुन लो, रॉयल ब्रिटिश बैंक ने क्या किया, कंसल्ट करा एमओए, फिर रॉयल ब्रिटिश बैंक ने अप्लाई किया। एमओए में क्या लिखा था कि कंपनी बॉन्ड देने से पहले ओआर पास करेगी। कंपनी ने ईजीएम बनाई, ओआर पास कर लिया, सामने वाले को सेटिस्फाई कर दिया, मिनट्स भी दिखा दिया और बॉन्ड सर्टिफिकेट भी दे दिया। अब कंपनी का दिवालिया निकल गया, तो कंपनी कोर्ट के पास चली गई कि हमें इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। जब ऐसा होता है तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया, मतलब कोर्ट ने बोला, कंपनी कोर्ट के पास गई, कोर्ट ने क्या करा, एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया। उस लिक्विडेटर का नाम था तर्कवंत, राइट जी, ठीक है जी। कोर्ट ने लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया तर्कवंत को, और इस लिक्विडेटर को बोला कि जी आपका काम है सारी की सारी कंपनी को लिक्विडेट करना, माने लाइबिलिटीज का फाइनलाइज करो, कौन कौन कंपनी की क्या लाइबिलिटी, एसेट्स को बेचो, और जो बचेगा प्रोपोर्शनेटली दे देना। इंस्टॉलमेंट आदमी होता है तो आप जानते हो आपको मिलता है 10 paisa out of 1 rupee, 20 paisa out of 1 rupee, सुना आप लोगों ने, उसको बोलते हैं रेटेबल डिविडेंड, पार्टनरशिप में बढ़ाया जाता था। तो अब जो तर्कवंत था इसने क्या किया, फाइनली तर्कवंत ने आगे लिस्ट फाइनलाइज करी। तर्कवंत ने क्या किया, तर्कवंत ने एक लिस्ट दी, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, के जी कंपनी ने इस इसका पैसा देना है। क्लियर है ये बात, डन। तो इसने एक लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स इश्यू कर दी। जब ये लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स इश्यू करी तो रॉयल ब्रिटिश बैंक ने देखा
कि इस लिस्ट के अंदर हमारा तो नाम ही नहीं है, वी आर नॉट नेम्ड अंडर दिस, यस और नो? कहानी समझ आ रही है यहां तक? जी, हमारा तो नाम ही नहीं है इसके अंदर। तो रॉयल ब्रिटिश बैंक को ने क्या किया, तर्कवेंद को अप्रोच किया। रॉयल ब्रिटिश बैंक ने तर्कवेंद को बोला कि जी ये है हमारा बॉन्ड सर्टिफिकेट, देखो ऐसे ऐसे हमारा नाम नहीं है जबकि होना चाहिए, आया ना? तो उसने कहा जी अच्छा दिखाओ, मैं देखूंगा क्या सीन है। तो ये चला गया इंस्पेक्शन करने कंपनी की कि भाई कंपनी ने क्यों रिकॉर्ड में नाम नहीं डाला हुआ, यस और नो? समझ आई कहानी? जब ये चला गया कंपनी के रिकॉर्ड में तो इसको पता चला कि कंपनी ने जो ओआर पास किया था उस ओआर के अंदर अमाउंट नॉट स्पेसिफाइड, अमाउंट स्पेसिफाई किया ही नहीं था। जबकि अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं था इसका मतलब रेजोल्यूशन वैलिड नहीं है, क्योंकि जब अमाउंट ही नहीं था तो मतलब ओआर ही वैलिड नहीं है, ओआर ही वैलिड नहीं है इसका मतलब अलॉटमेंट ही वैलिड नहीं है, अलॉटमेंट वैलिड नहीं है मतलब आप वैलिड बॉन्ड होल्डर नहीं हो। तो तर्कवान ने ये वाला जवाब रॉयल ब्रिटिश बैंक को दे दिया कि जी सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपका यू आर नॉट अ वैलिड बॉन्ड होल्डर, क्योंकि आपका जो रेजोल्यूशन पास हुआ था उसमें इनवैलिड था क्योंकि अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं था, तो आप इनवैलिड होल्डर हो। डन जी, ये आ गया पॉइंट नंबर 12। तो इसको लेके रॉयल ब्रिटिश बैंक ने फिर तर्कवेंद में केस कर दिया और ये आ गया पॉइंट नंबर 13। तो देखो जी पहले यहां तक बात समझ आई, इसको हम 13 पॉइंट को ना ऐसे लिख लेते हैं कि फाइनली फिर इन्होंने रॉयल ब्रिटिश बैंक ने तर्कवेंद पे केस कर दिया और ये पॉइंट नंबर 13 हो गया। पहले देखिए कहानी यहां तक सबको समझ आ रही है बच्चे? देखो कहानी समझ आई के ऊपर से गई, जवाब दो। पहली चीज देखो, पॉइंट्स को देखो जो मैं कह रहा हूं। पहली चीज पॉइंट नंबर 1, देखिए इधर मैं पॉइंट्स को टिक करता हूं आपको क्लियर हो जाएगा। पहली चीज, रॉयल ब्रिटिश बैंक ने एमओए को कंसल्ट किया, हाँ या ना? फिर पता चल गया कि बॉन्ड्स खरीदने से पहले कंपनी को ओआर पास करना पड़ेगा। कंपनी कौन सी थी? कैमरून कोलब्रुक। इन्होंने अप्लाई कर दिया बॉन्ड्स के लिए, उसके बाद कंपनी ने ईमानदारी से ओआर पास किया। क्लियर है जी ये बात? ओआर पास किया, मिनट्स की कॉपी भी दे दी और शेयर सर्टिफिकेट भी दे दिया। उसके बाद कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई, लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ, कोर्ट ने अपॉइंट किया तर्कवेंद को। तर्कवेंद ने लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स फाइनल करी। रॉयल ब्रिटिश बैंक को लगा हम तो सिक्योर्ड बॉन्ड होल्डर है, हमारा भी नाम होगा, पर इनका नाम नहीं था, जिसके चलते इन्होंने बात करी। जब बात करी तो उसने कहा जी मैं कंफर्म करके बताऊंगा। इसने अपना बॉन्ड सर्टिफिकेट भी दिखाया। जब कंपनी की छानबीन हुई तो पता चला कि जी ओआर तो पास हुआ था पर अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं था, इसलिए यू आर नॉट अ वैलिड बॉन्ड होल्डर, क्योंकि अलॉटमेंट ही वैलिड नहीं है। तो तर्कवेंद ने इसको इनवैलिड बोल के इसका क्लेम डिसमिस कर दिया, लेकिन रॉयल ब्रिटिश बैंक ने केस फाइल कर दिया, हाँ या ना? इसके अंदर कोई डाउट? अब आप बताओ यहां पर क्या उसने एमओए पढ़ा था? क्या एमओए के अंदर ये लिखा था कि जी हम ओआर पास करेंगे? और क्या उसने ओआर पास हुआ कि नहीं वो इंश्योर किया, मिनट्स की कॉपी भी मांगी? अब उसमें अमाउंट लिखना है कि नहीं लिखना, भाई वो तुम्हारा काम है, हमारा थोड़ी है, यस और नो? हम तो मानेंगे कि जो हमने पढ़ा है और वो ऑन द फेस सही समझ आ रहा है तो आपने उसको ढंग से कंप्लाई किया होगा। अब समझ आ रहा है डूइंग द राइट थिंग राइटली क्यों आ रहा था? इन्होंने राइट थिंग करी, लेकिन क्या राइटली करी? नहीं करी। लेकिन ये उनकी गलती है, आउटसाइडर को इससे कोई लेना देना नहीं है, यस और नो? आया ना? एंड फाइनली आपको क्या लगता है, जो जो रॉयल ब्रिटिश बैंक है वो केस जीत गया, आया ना? यस और नो? यस सर। तो ये आ गया हमारा पॉइंट नंबर 14। डन जी, समझ आ गई कहानी? इस रॉयल ब्रिटिश बैंक के केस को बेटा तर्कवेंद रूल के नाम से भी बोला जाता है। क्लियर है बात? याद हो गया केस? सबसे पहले इधर पॉइंट, पहली बात रॉयल ब्रिटिश बैंक का एमओए पढ़ना, दूसरी बात अप्लाई करना, तीसरी बात उनका ओआर पास करना, चौथी चीज मिनट से देना, छठी चीज चौथी चीज क्या पांचवी चीज बॉन्ड सर्टिफिकेट, छठी चीज इंसॉल्वेंसी के अप्लाई किया, सेवन चीज लिक्विडेटर अपॉइंट कर लिया कोर्ट ने तर्कवेंद, उसने लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स निकाली उसमें उनका नाम नहीं था, दसवीं चीज वो बॉन्ड सर्टिफिकेट लेके गए, ग्यारहवीं चीज उसने इंस्पेक्शन करी तर्कवेंद ने, बारहवीं चीज उसने इनवैलिड होल्डर बोल के मना कर दिया कि तुम्हारा रेजोल्यूशन पास जो हुआ था वो वैलिड नहीं था, उसने केस फाइल कर दिया रॉयल ब्रिटिश बैंक ने और कोर्ट में वो केस जीत गया। बिकॉज क्या अप्लाई होगी? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर
मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्टिव नोटिस मैंने कंप्लाई करी है तो मैं मान के चलूंगा जो मैं पढ़ के आऊं वो आपने फॉलो किया है, यस और नो? क्लियर है जी सबको? एम आई क्लियर? नोट कर लो प्लीज इसको। हो गया जी?
डन। इसकी भी एक मूवी बना रखी है मैंने, एक बार वो मूवी देख ले प्लीज, डन, ताकि हमें चीजें पूरी मेमोराइज हो जाए, ठीक है जी। Doctrine of Indoor Management, Royal British Bank versus Tarquand, 1856. Allotment of Bonds worth £2,000 by Cameron's Coal Brook Steam Coal and Swansea and Lohgarh Railway Company to Royal British Bank. After few years, company ran into difficulties and applied for declaration of insolvency to the House of Lords. Court room. My lord, my company is in heavy debts and we are not able to pay even after realizing entire assets of our company. The company is declared insolvent and Mr. Tarquand, aap is company ke official liquidator appoint kiye jaate hain and you have to submit your report after 1 year. Yes, my lord. At the time of finalization of list of creditors, Tarquand does not include the name of Royal British Bank. Managing Director of Royal British Bank in the office of Tarquand. Our bank is a bondholder of your company, but still you have not named our company in the list of creditors. Company ke article of association ke mutabik, bonds issue karne se pehle, हमें शेयरहोल्डर्स के अप्रूवल की जरूरत है बाय वे ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। आपकी कंपनी ने हमारे बैंक को बॉन्ड्स अलॉट करने से पहले अपनी जनरल मीटिंग में शेयरहोल्डर्स का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर लिया था। हाँ, ये सच है, लेकिन अमाउंट रेजोल्यूशन में स्पेसिफाइड नहीं था, तो बैंक को किया गया बॉन्ड्स का अलॉटमेंट इनवैलिड है। बट सर। नो सर, यू मे लीव। After rejection of claim by Tarquand, the official liquidator of Cameron's Coal, Brook Steam, Coal and Swansea and Lohgarh Railway Company, Royal British Bank sued Tarquand. Court room. My lord, हमारा बैंक Cameron's Coal, Brook Steam, Coal and Swansea and Lohgarh रेलवे कंपनी का बॉन्ड होल्डर है, फिर भी लिक्विडेटर मिस्टर तरकवांत ने हमें पे ऑफ करने से मना कर दिया। माय लॉर्ड, एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, बिफोर इशूइंग बॉन्ड्स, अ नीड टू टेक अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय द वे ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, व्हिच वाज पास्ड बाय द कंपनी, बट द अमाउंट वाज नॉट स्पेसिफाइड। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन स्टेट्स अबाउट द पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी बिफोर इशूइंग बॉन्ड, और कंपनी ने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास भी किया, बट अगर उसमें अमाउंट स्पेसिफाइड ही नहीं था तो इसमें बॉन्ड होल्डर की कोई गलती नहीं है, एज इट इज एन इंटरनल अफेयर ऑफ द कंपनी एंड आउटसाइडर, दैट इज बॉन्ड होल्डर कैन प्रिज्यूम दैट द कंपनी हैड ड्यूली कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो रॉयल ब्रिटिश बैंक इज अ वैलिड बॉन्ड होल्डर विच जस्टिफाइड क्लेम, और आपको इन्हें भी पेमेंट करनी पड़ेगी। द केस इज डिसमिस्ड। यहाँ तक सबको बात क्लियर है बच्चे, पूरी कहानी क्लियर है कि जी इसमें बॉन्ड होल्डर की कोई गलती नहीं है अगर आपने अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया था, क्योंकि वो पढ़ के आए थे और उनको पता था ओआर पास होना चाहिए और उन्होंने आपसे ओआर की कॉपी मांग भी ली थी। यस और नो? डन बच्चे, चले आगे। तो यहाँ पे भी अभी हमारी डॉक्ट्रिन खत्म नहीं हुई, हमने केस स्टडी, केस का लॉ पढ़ लिया, हमने थियोरी पढ़ ली, हमने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी पढ़ ली, वो वाली के बॉन्ड होल्डर वाली, ये जो दो केसेस पढ़ाए थे मैंने, ये वाले है ना।
कि जी मुझे नहीं पता 100 करोड़ रुपया मुझे तो चाहिए, राइट। पहले में गलती क्या थी, वो पढ़ के नहीं आया था, दूसरे में गलती क्या थी, वो पढ़ के आया था, लेकिन कंपनी ने अगर चीटिंग करा तो इसमें वो लाइबल नहीं माना जाएगा, ठीक है जी। सीएस की गलती है, ये कंपनी की गलती है ऑब्जर्व करना कि सीएस ने कोई फ्रॉड ना किया हो। डन। इधर देखिए बेटा ध्यान से, सर इस क्वेश्चन में अभी क्या रह गया, देखिए बेटा अब इस क्वेश्चन में रह गया एक्सेप्शंस ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, एक्सेप्शंस ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। बेटा मुझे सोच के जवाब दीजिएगा प्लीज, इधर ऑल ऑफ यू, एक्सेप्शंस ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। पहले आप ये बताइए मेरे को कि इंडोर मैनेजमेंट किसको प्रोटेक्ट करती है। इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्शन देती है टू आउटसाइडर, हाँ या ना, यस और नो। अब कहता है इसकी एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब क्या, मैं ये कह सकता हूं नो प्रोटेक्शन टू आउटसाइडर, जवाब दो कि एक्सेप्शनल केसेस में आउटसाइडर को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, हाँ या ना, एम आई क्लियर बच्चे। सर नॉर्मल केसेस में इंडोर मैनेजमेंट कहती है आउटसाइडर को राइट है, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी, वो जो अज्यूम कर सकता करे, लेकिन यहां पर कह रहा है एक्सेप्शन टू इंडोर मैनेजमेंट मतलब आउटसाइडर को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, मतलब आउटसाइडर के लिए नुकसान वाली बात, यस और नो। कब, इधर देखिए ध्यान से, पहली चीज नॉट कंसल्टेड एमओए एंड एओए, बताओ ये बात सही है गलत है, नॉट कंसल्टेड एमओए एंड एओए, भाई जो बंदा एमओए एंड एओए पढ़ के आया ही नहीं, जो बंदा एमओए एंड एओए पढ़ के आया ही नहीं, आप बताओ क्या कंपनी वो इंडोर मैनेजमेंट में कवर होगा। इंडोर मैनेजमेंट सेकंड पार्ट है डॉक्ट्रिन का, हाँ या ना, फर्स्ट क्या है कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जो पढ़ के ही नहीं आया इसका मतलब उसने कंस्ट्रक्टिव नोटिस को कंप्लाई नहीं किया, यस और नो, क्लियर है बच्चे, या उसने कंप्लाई किया उसे पता था कि इररेगुलरिटी है फिर भी वो कुछ नहीं बोला। इधर देखिए ना ध्यान से, या तो वो पढ़ के ही नहीं आया, या वो पढ़ के आया उसे पता था कि कंपनी को ओआर पास करना पड़ेगा बॉन्ड्स अलॉट करने से पहले, फिर भी कंपनी ने ओआर पास किए बिना दे दी और वो कुछ भी नहीं कह रहा, ये भी तो गलत है, यस और नो। या कुछ सस्पिशियस हो रहा है, कुछ डाउटफुल हो रहा है, उसके कान खड़े होने चाहिए, इसमें सस्पिशियस हो रहा है पर वो फिर भी इंक्वायरी नहीं कर रहा, इसमें इंक्वायरी नहीं कर रहा वो, और नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी है, इससे पता चल रहा है कि ये बंदा नेग्लिजेंट है, हाँ या ना, नेग्लिजेंटली बिहेव कर रहा है, नेग्लिजेंस की कोई जगह नहीं होती, याद रखिएगा ये बात, नेग्लिजेंस की कोई जगह नहीं होती, आप नेग्लिजेंटली बिहेव करोगे तो आप कहीं पर स्टैंड नहीं करोगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, ऐसी नेग्लिजेंस का दे रहा हूं और ताजा ताजा नुकसान हुआ इसलिए आपको बता रहा हूं, सुना, हुआ क्या कि एक बच्चे ने थोड़े दिन पहले हमारी वेबसाइट को विजिट किया, जब उस बच्चे ने वेबसाइट को विजिट किया तो वेबसाइट को विजिट करने के बाद उसने ऑनलाइन हमारा जो पैकेज है फर्स्ट मॉड्यूल का, वो पूरा पैकेज जिसमें आपको स्कैनर, सैंपल पेपर, पेन ड्राइव, लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर सब कुछ मिलता है, उस बच्चे ने फुल पैकेज की फीस पे कर दी। हमारे स्टाफ से क्या गलती हुई, द्वारका में है ऑफिस मेरा जो बैक ऑफिस देखता सारा, उनसे क्या गलती हुई, उन्होंने उस बच्चे का जब ऑर्डर आया, उस बच्चे ने पैसे पे किए, यार उसको कम से कम कोई इन्फॉर्मेशन तो दो, कॉल करो, मेल करो, थैंक यू फॉर ऑर्डर कुछ तो करोगे आप, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 3 दिन तक वो बच्चा जो था बेचारा डरा रहा, समझ आई कि पैसे कट गए हैं, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, कोई फ्रॉड तो नहीं, भाई साहब उसने 2 दिन के बाद 3रे दिन बच्चे ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। इंस्टा मुझे जो जो पेमेंट गेटवे है उनके पास बीच में पैसे रहते हैं, अगर आप चाहो तो उस पैसे को होल्ड डाल सकते हो, तो उसने होल्ड डाला और वापस ले लिया, ये बात समझ आई, ठीक है जी। स्टाफ मुझे कहता है कि सर वो ऑर्डर आया था कैंसिल हो गया, मैंने कहा क्यों, सर उस बच्चे ने वापस ले लिया, बच्चे को कॉल कराई, मैंने खुद पर्सनली बात की, बच्चा कहता है सर मुझे आपके लेक्चर लेने थे लेकिन इतना इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर तो मैं तो नहीं ले सकता, कह रहा अभी पैसे देने के बाद मेल नहीं कर रहे जबकि पैसे जा चुके हैं, मैं ये कैसे मान लूं कि जब आपके अकाउंट में आ जाएंगे उसके बाद मेरा फोन भी उठाओगे, सही बात कह रहा है कि नहीं कह रहा, हाँ या ना, नेग्लिजेंस थी, स्टाफ का कुछ नहीं गया, नुकसान किसका हुआ, मेरा हुआ ना, यस और नो, गेटिंग में क्या कहना चाह रहा हूँ, नेग्लिजेंट बिहेवियर की कोई जगह नहीं है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, इस चीज को याद रखना, समझ रहे हो बात, राइट। ये क्यों बता रहा हूँ, ये ताजा ताजा कल परसों का नुकसान है इसलिए दिमाग में अभी, एनी हाउ ये समझ आ गया हमको कि अगर आपने एमओए और एओए कंसल्ट नहीं किया तो मतलब आपने कंस्ट्रक्टिव नोटिस फॉलो नहीं किया। दूसरी चीज, अगर आपको अगर कुछ सस्पिशियस दिख रहा है तो इंक्वायरी करो, दिख रहा है और फिर भी नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप नेग्लिजेंट हो, हाँ या ना, क्लियर है जी। या लास्ट पॉइंट कहता है कि सर अगर इलीगल या वॉइड ट्रांजेक्शन है, अगर इलीगल या
वॉइड एक्ट है, हाँ या ना माय लॉर्ड? हमने और कंपनी ने प्लान किया था कि मिलके बम बनाएंगे, है ना? एसआरपी पास हो गया था, फिर भी बताओ ये बम का मटेरियल नहीं दे रहे, पॉसिबल नहीं है? यस और नो? तो मतलब जो एमओए पढ़ के नहीं आया, पढ़ के आया है, इंक्वायरी नहीं कर रहा, या इरेगुलरिटी सामने दिख रही है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा। मुझे पता है सीएस के साइन चाहिए सर्टिफिकेट में, कॉमन सील चाहिए और डायरेक्टर के साइन चाहिए, फिर भी वो खाली सीएस और कॉमन सील लगी है, डायरेक्टर के नहीं लगे, दिख रहा मुझे खाली है, तो इट इज माई जॉब टू आस्क, या ना? अगर मैं उस टाइम पे नहीं बोल रहा तो कल को फ्यूचर में मैं क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता। मेरे को कोर्ट बोलेगा एमओए पढ़ के आया था, मैं कहूंगा आया था, तो अंधा था, नजर नहीं आया था डायरेक्टर के भी साइन चाहिए, यस और नो? तो इसका मतलब अगर आप एमओए पढ़ के आ रहे हो, मैं बार बार क्या वर्ड यूज कर रहा था, इंदौर मैनेजमेंट क्या बोलती है, ऑन द फेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऑन द फेस ऑफ डॉक्यूमेंट कोई इरेगुलरिटी नजर नहीं आ रही, तो आप अज्यूम कर लोगे कि जो पीछे की वर्किंग है वो भी ए टू जेड करेक्ट हुई होगी, हाँ या ना? क्लियर है बच्चे, समझ आ गई कहानी? तो आज की इस क्लास में अगर हम बात करें, पढ़े हमने दो ही प्रिंसिपल है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं, हमने पहले बेसिक वन पढ़ा, बेसिक टू पढ़ा, फिर उसके बेसिस पे हमने आगे पढ़ा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जिसमें केस का नाम पढ़ा कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस चिंताराम मूर्ति ईयर 1934। फिर हमने इंडोर मैनेजमेंट पढ़ा, इसके अंदर रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तर्कवान पढ़ा, जिसके अंदर हमने 1856 का केस पढ़ा, राइट? इसके बाद हम लोगों ने दो केस स्टडीज प्रैक्टिकल पढ़ी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पढ़ी। पहले वाले में मिस्टर ए को पैसे नहीं मिले क्योंकि उसने कंस्ट्रक्टिव नोटिस फॉलो नहीं की थी, दूसरे वाले में मिले क्योंकि इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई हो गई थी, क्योंकि सीएस ने नकली साइन किए थे, कंपनी की प्रॉब्लम है, कंपनी को देखना चाहिए था कि सीएस जाली साइन ना करे, यस और नो? एनी डाउट इन टूडेज क्लास? अभी हमने कोशिश की थी चार डॉक्ट्रिन्स करने की, लेकिन अभी तक हमारी सिर्फ दो ही डॉक्ट्रिन्स हुई है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, डन? क्लियर है जी? थैंक यू। फाइनली गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चे लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर हमें याद हो तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर बच्चे हम लोगों ने कहा था कि हमें चार डॉक्ट्रिन पढ़नी है, चार में से हम लोगों ने डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ ली थी, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पढ़ ली थी। कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंदर हमने केस पढ़ा था कोटला वेंकट स्वामी वर्सेज चिंताराम मूर्ति वाला, और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में पढ़ा था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेज तर्कवांस वाला केस, जिसको हम तर्कवांस रूल भी बोलते हैं, राइट बच्चे? पढ़ा था हम लोगों ने इतना। सर आज की क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज की क्लास में हमें रिमेनिंग दो डॉक्ट्रिन्स पढ़नी है, अल्ट्रावायरस एंड अल्टर ईगो। शैल वी स्टार्ट? देखिए बच्चे, सबसे पहले हम बात करते हैं, हेडिंग डालेंगे प्लीज अपनी अपनी कॉपीज में, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस, अपनी अपनी कॉपीज निकालेंगे, हेडिंग डालेंगे हम डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। आज की पहली डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। बेटा जब हम अल्ट्रा वायरस की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, तो यार डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के अंदर मैं आपको बहुत सारी बातें पहले भी बता चुका हूं। हम सबको पता है कि कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है उसमें छह क्लॉजेस होते हैं, उसमें जो थर्ड क्लॉज होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज, पता है हम सबको ये बात। और उस ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर कंपनी के बिजनेसेस, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं जिसके बाहर कंपनी काम नहीं कर सकती, यस और नो? और अगर कंपनी कभी ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर काम करती है तो बताओ वो क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायरस, मतलब कंपनी की लिमिट के बाहर हो जाएगा, हाँ या ना? यस और नो? और अगर अल्ट्रा वायरस हो जाएगा तो मतलब वो वॉइड एब इनिशियो है, इनवैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग है। इतनी बात समझ आती है हमें, यस और नो? अच्छा एक चीज बताओ, बड़े ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। इतना तो हमें बताया कि कंपनी ने एमओए के बाहर कोई काम किया तो वो अल्ट्रा वायरस है, वो कंपनी की लिमिट के बाहर है। हमें सीएस फाउंडेशन में भी पढ़ाया जाता था कि कोई भी कंपनी कभी भी अपने एमओए के बाहर कोई काम नहीं कर सकती, कंपनी इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड इट्स एमओए, यस और नो? ये बात हमें बताया। लेकिन अब आप सुनिएगा बेटा ध्यान से, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, या मैं दे रहा हूं अगर आपको ना बताओ तो, कि भाई हमारी जो कंपनी है अमित वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, अमित वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड जो है उसका एमओए है, एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कि हम बच्चों को पढ़ाने का बिजनेस करेंगे। अब कोई बंदा आता है और वो कहता है अमित वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड को ये पकड़ो पैसे और आप मुझे जलेबी दे दो, यस और नो? सर ये पकड़ो पैसे, आप मुझे जलेबी दे दो, जलेबी देना हमारा बिजनेस तो नहीं है। हमारा बिजनेस क्या है? हमारा बिजनेस है पढ़ाना, लेकिन हमने जलेबी का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो ये एमओए के बाहर है, तो इसका मतलब है क्या? अल्ट्रा वायरस। नाउ माय पॉइंट इज, क्या आउटसाइडर हम पे केस कर सकता है?
आउटसाइडर हम पे केस कर सकता है, मैलॉर्ड अमित वोरा क्लासेस ने पैसे लिए थे और जलेबी डिलीवर नहीं करी, क्या वो केस कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्टिव नोटिस अप्लाई हो जाती है। क्यों अप्लाई हो जाती है? कि भाई तेरे को MOA पढ़ के आना चाहिए था, और अगर तू पढ़ के आया होता तो तुझे पता होता कि इनका बिजनेस जो है वो जलेबी का नहीं है, पढ़ाने का है। यस और नो? तो इसका मतलब अगर कभी भी कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है किसी के साथ लिमिट के बाहर, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इश्यू है और आउटसाइडर कंपनी पे केस नहीं कर सकता। यस और नो? जवाब दो, क्यों नहीं केस कर सकता आउटसाइडर कंपनी पे? क्योंकि माय लॉर्ड आउटसाइडर की गलती है, अगर उसने MOA पढ़ा होता तो उसे पता होता कि अमित वोरा क्लासेस पढ़ाने का बिजनेस करती है, ना कि जलेबी का। यस और नो? एम आई क्लियर? लेकिन अब सुनिएगा बड़े ध्यान से, आउटसाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। क्या आउटसाइडर ये नहीं कह सकता माय लॉर्ड मुझे नहीं पता था कि अमित वोरा क्लासेस जो है वो जलेबी का बिजनेस नहीं करती या पढ़ाने का करती है, मेरी गलती है, मैं MOA पढ़ के नहीं आया, मैं मानता हूं मैं नहीं पढ़ के आया, चलो मेरी गलती है। लेकिन क्या कंपनी के मालिक अमित वोरा को नहीं पता था कि उनकी कंपनी जलेबी का काम नहीं करती? उसने कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? आया ना? तो कहने का मतलब जब अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन होती है तो अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट में आउटसाइडर के पास कोई लाइबिलिटी कंपनी के अगेंस्ट तो नहीं है, ही कैन नॉट स्यू कंपनी, बट कैन ही स्यू द डायरेक्टर जिन्होंने अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट किया? यस, वो डायरेक्टर्स पे केस कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, इसको आपको याद रखना है बच्चे, कि जब भी कंपनी ने किसी आउटसाइडर के साथ कोई अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट किया तो कंपनी जो है वो सेफ है, आउटसाइडर कंपनी पे केस नहीं कर सकता, क्योंकि आउटसाइडर को MOA या DOA पढ़ के आना चाहिए था, कंस्ट्रक्टिव नोटिस अप्लाई होती थी। लेकिन अगर वो जो आउटसाइडर है वो उसके पास ये ग्राउंड है कि चलो माय लॉर्ड मैं पढ़ के नहीं आया, मेरी गलती है, मैं कंपनी को कुछ नहीं कह रहा, मेरी गलती है, मैंने MOA नहीं पढ़ा, लेकिन वो डायरेक्टर जिसने मेरे साथ जलेबी का कॉन्ट्रैक्ट किया उसे तो पता होना चाहिए था कि उनका बिजनेस नहीं है, उसने मना क्यों नहीं किया? यस और नो? तो फॉर अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन अगर मेरे से कोई पूछे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन, तो मैं बोलूंगा आउटसाइडर कैन नॉट हेल्ड द कंपनी पर्सनली लाइबल, बट आउटसाइडर कैन सू द डायरेक्टर्स। आया ना? आउटसाइडर कंपनी पे केस नहीं कर सकता लेकिन डायरेक्टर्स पे पर्सनली केस कर सकता है। वो भी कौन से डायरेक्टर पे? सारे डायरेक्टर्स पे या उन पे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में साइन किए? उन पे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में साइन किए। यस और नो? क्लियर है? लेकिन हम मेंबर्स की बात करें, शेयर होल्डर्स की बात करें, कंपनी ने कोई अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या शेयर होल्डर्स कंपनी पे केस कर सकते हैं या डायरेक्टर्स पे? शेयर होल्डर्स दोनों पे केस कर सकते हैं। आई रिपीट, आउटसाइडर कैन नॉट सू कंपनी फॉर अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट, बट आउटसाइडर कैन सू डायरेक्टर्स। मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स कैन सू कंपनी एज वेल एज मेंबर्स कैन सू डायरेक्टर्स। ये चीज याद रहेगी? हाँ ना? अभी तक मैंने जो बताया, अब हम पढ़ेंगे ना, जो मैं लिखूंगा वो आप साथ साथ लिखेंगे, एंड ट्रस्ट मी आपको सब आता होगा क्योंकि मैंने कुछ नया बताया ही नहीं। सर कब देखो, अल्ट्रा मतलब आउटसाइड, वायरस मीन्स बियॉन्ड, मतलब अल्ट्रा मीन्स आउटसाइड, वायरस मीन्स लिमिट पावर अथॉरिटी, तो अल्ट्रा वायरस मीन्स बियॉन्ड दी पावर और अथॉरिटी। कंपनी ने कभी भी अपने MOA को ऑब्जर्व नहीं किया, माने MOA के दायरे के बाहर कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो अल्ट्रा वायरस माना जाएगा, वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा, कंपनी आउटसाइडर के सामने लाइबल नहीं होगी। क्या क्यों नहीं होगी? क्योंकि आउटसाइडर की गलतियों से MOA पढ़ के आना चाहिए था। लेकिन अगर कंपनी पे आउटसाइडर केस नहीं कर सकता तो डायरेक्टर पे पर्सनली केस कर सकता है, राइट? अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन के लिए आउटसाइडर कंपनी पे केस नहीं करेगा, डायरेक्टर्स पे करेगा, लेकिन मेंबर्स आउटसाइडर्स पे भी केस करेंगे एंड सॉरी मेंबर जो है वो कंपनी पे भी केस करेंगे एंड डायरेक्टर्स पे भी केस करेंगे, राइट? क्लियर है? अभी तो मैंने ये बात 5 मिनट में बताई, जब हम इसको लिखेंगे डिटेल में तो हमारे दिमाग में बैठ जाएगी, देखना क्या क्या लिखना है, मेरे साथ साथ आप लिखेंगे एंड आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, लिखिए द वर्ड अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड, द वर्ड अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड, वेयर एज द वर्ड वायरस मीन्स लिमिट्स और पावर्स और अथॉरिटी। पहले बताओ, इतनी बात समझ आई? द वर्ड अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड, वेयर एज द वर्ड वायरस मीन्स लिमिट पावर और अथॉरिटी, राइट? तो अगर मैं इसको बोलना चाहूं अपनी लैंग्वेज में तो मैं क्या बोलूंगा, देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस
means the principle of acting beyond the specified limits, powers and authorities. पहले ये बताओ इतनी बात समझ आई? देखिए ध्यान से, देखिए अगर आपको लगता है लिखने में ध्यान जा रहा है तो बेशक लिखना छोड़ दो, मैं टाइम दे दूंगा। देखिए द वर्ड अल्ट्रा वायरस मीन्स बियॉन्ड, वेयर इज द वर्ड अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड, वायरस मीन्स लिमिट्स पावर अथॉरिटी, डॉक्टर ऑफ अल्ट्रा वायरस का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिंग बियॉन्ड द लिमिट पावर और अथॉरिटी। हाँ या ना? अल्ट्रा वायरस मीन्स कंपनी ने अपनी लिमिट, अपने दायरे, अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी के बाहर काम किया है, राइट? लिखिएगा मत, पहले सुनिएगा। आप लिखते हो ना फिर सुनते नहीं। इधर देखिए ध्यान से, आगे क्या कहता है ये? कहता है दिस डॉक्ट्रिन, पहले इधर देखिए बेटा, दिस डॉक्ट्रिन स्टेट्स दैट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। बेटा इधर सुनिएगा, पहले लिखिए मत। दिस डॉक्ट्रिन स्टेट्स दैट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी क्लियरली स्पेसिफाइज its objects and limits, clearly specifies its objects and limits। ये बात सही है, हाँ या ना? जवाब दो। ये doctrine कहती है कि कंपनी का जो MOA है वो कंपनी के objects और limits को clearly define करता है, right? Beyond which a company cannot perform any contract, beyond which a company cannot perform एनी कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो? जिसके दायरे के बाहर कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकती। क्लियर है बच्चे? अगर मैं इसको एक सांस में अब पढ़ू तो देखो यहां तक बात समझ आती है भाई। द वर्ड अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड, वेयर एज द वर्ड वायरस मीन्स लिमिट्स और पावर्स और अथॉरिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस मतलब कंपनी कभी भी कोई काम नहीं कर सकती अपने दायरे या लिमिट के बाहर। दिस डॉक्ट्रिन स्टेट्स के MOAOA जो है वो कंपनी का दायरा बताता है, beyond which a company cannot perform any contract, कंपनी इसके बाहर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। यस और नो? जवाब दो। और अगर कंपनी कर लेती है तो? if a company has entered into any contract outside the scope of किसके आउटसाइड? अपने नेम क्लॉज के आउटसाइड, आउटसाइड द स्कोप ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज। हाँ या ना? ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ MOA। तो वो सच कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? सच कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ab initio, सच कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ab initio, इनवैलिड फ्रॉम द बिगनिंग। अगर कभी भी कंपनी अपने MOA के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो void ab initio माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? बींग अल्ट्रा वायरस, यस और नो? क्योंकि वो अल्ट्रा वायरस है। किसके अल्ट्रा वायरस है? अल्ट्रा वायरस दी स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट। आया ना? अल्ट्रा वायरस दी स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट, या अल्ट्रा वायरस दी कंपनी लिख सकते हैं, अल्ट्रा वायरस दी कंपनी, राइट? इधर देखिए ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने यहां पे बोला इफ अ कंपनी हैज एंटर्ड इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, अगर कंपनी एंटर कर चुकी है तो वो क्या माना जाएगा? वॉइड ab initio। क्यों वॉइड ab initio माना जाएगा? क्योंकि वो कंपनी के दायरे के बाहर है। हाँ या ना? अगर इसी के आगे मैं लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं एंड एन आउटसाइडर कैन नॉट स्यू द कंपनी, एंड एन आउटसाइडर कैन नॉट स्यू द कंपनी। हाँ या ना? आउटसाइडर कंपनी पे केस नहीं कर सकता। क्यों? फॉर सच अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट। हाँ या ना? उस अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आउटसाइडर कंपनी पे केस नहीं कर सकता। क्लियर है ये बात? क्यों? क्योंकि आउटसाइडर पे कंस्ट्रक्टिव नोटिस लगी हुई थी, उसको MOAOA पढ़ के आना चाहिए था। आप कंपनी को जलेबी देने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए था कि कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट जलेबी देना नहीं है। क्यों? कैसे पता चलता? आप MOAOA पढ़ के आते। लेकिन अगेन आउटसाइडर क्या बोलेगा? हाँ माय लॉर्ड, मैं नहीं पढ़ के आया, मुझे नहीं पता था। लेकिन इनके डायरेक्टर्स को तो पता था। हाँ या ना? तो वही वाला पॉइंट यहां पे आ गया। बट एन आउटसाइडर
can held the directors personally liable. Yes or no? He can held the directors personally liable. कौन से डायरेक्टर्स पर्सनली लाइबल? हु हैज एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट? हु हैज एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट? राइट बच्चे? भाई कंपनी जब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो कंपनी के बिहाफ पे 15 डायरेक्टर है, 15 के 15 साइन थोड़ी करते हैं, कोई भी दो डायरेक्टर साइन कर देते हैं, तो जिन्होंने साइन किया अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट में वो लाइबल माने जाएंगे। हाँ या ना? इधर देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको सम अप करूं, रीड करके देखे तो देखो क्लैरिटी मिलती है। द वर्ड अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड, वेयर एज द वर्ड वायरस मीन्स लिमिट पावर और अथॉरिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिंग बियॉन्ड। राइट जी? द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिंग बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट्स। द डॉक्ट्रिन स्टेट्स एमओए ऑफ द कंपनी क्लियरली स्पेसिफाइड दिस सब्जेक्ट एंड लिमिट बियॉन्ड व्हिच अ कंपनी कैन नॉट परफॉर्म एनी कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी अपने दायरे के बाहर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, और अगर कंपनी ने किया है तो वो वॉइड एब इनिशियो है। क्यों वॉइड एब इनिशियो? क्योंकि वो अल्ट्रा वायरस है, और उसके लिए आउटसाइडर जो है ही कैन नॉट सू दी कंपनी। आउटसाइडर कंपनी पे केस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि गलती उसकी है, उसको एमओए पढ़ के आना चाहिए था। लेकिन ही कैन, आउटसाइडर कैन हेल्ड दी डायरेक्टर्स पर्सनली लाइबल। वो डायरेक्टर्स पे केस कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि माय लॉर्ड मुझे नहीं पता था, लेकिन डायरेक्टर्स को तो पता था कि उनका जलेबी का बिजनेस नहीं है, तो उन्हें मना करना चाहिए था। यस और नो? जवाब दीजिए। तो अगर मेरे से कोई पूछे, बेटा इधर देखिएगा, अगर मेरे से कोई पूछे कि सर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन, इधर देखिएगा, इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन, तो देखिए बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, सोच के जवाब दीजिएगा। देखिए इधर, इधर देखिए, यहां पर है कंपनी और यहां पर है कंपनी के डायरेक्टर्स, यहां पर है आउटसाइडर, और यहां पर है आउटसाइडर के साथ मेंबर्स। अब आप सोच के जवाब दीजिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। इधर प्लीज ऑल ऑफ यू, अगर हम बात करें इधर देखिए, आउटसाइडर कंपनी पे केस कर सकता है, यस और नो? देखो चार क्वेश्चन है, आउटसाइडर कंपनी पे केस कर सकता है, आउटसाइडर डायरेक्टर पे केस कर सकता है, मेंबर्स कंपनी पे केस कर सकते हैं, या मेंबर्स डायरेक्टर पे केस कर सकते हैं। यही है ना हमारा क्वेश्चन? यस और नो? क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए? आउटसाइडर कंपनी पे केस कर सकता है अल्ट्रा वायरस के लिए? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आउटसाइडर की गलती है, वो खुद एमओए पढ़ के नहीं आया। लेकिन क्या आउटसाइडर डायरेक्टर्स पे केस कर सकता है? कर सकता है। वो भी कौन से डायरेक्टर्स पे? जो कॉन्ट्रैक्टिंग डायरेक्टर्स है, जिन्होंने अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट में साइन किए थे। हाँ या ना? लेकिन मेंबर्स कंपनी पे भी केस कर सकते हैं और डायरेक्टर्स पे भी केस कर सकते हैं। यस ऑल नो? क्लियर है ये बात? तो अगर मैं इसको इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन को अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहूं तो मैं सिंपली लिख सकता हूं कि मेंबर्स, ऊपर मैंने वो बात तो लिखी थी आउटसाइडर वाली, मेंबर्स कैन हेल्ड द कंपनी एज वेल एज इट्स डायरेक्टर्स लाइबल फॉर एंटरिंग इनटू अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट। हाँ या ना? जवाब दो जी कि मेंबर्स दोनों पे केस कर सकते हैं, लेकिन सर आउटसाइडर सिर्फ डायरेक्टर्स पे केस कर सकता है, मेंबर्स पे केस नहीं, सॉरी आउटसाइडर सिर्फ डायरेक्टर्स पे केस कर सकता है, कंपनी पे केस नहीं कर सकता। मेंबर्स क्यों केस कर सकते हैं पता है आपको? मेंबर्स डायरेक्टर्स पे भी केस कर सकते हैं और कंपनी पे भी। हाँ या ना? इसका क्या रीजन है? क्योंकि सर कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन। सुनिए, आप एक ना क्वेश्चन पढ़ोगे मे बी 2-3-4 क्लासेस के बाद, उसका नाम होता है बाइंडिंग फोर्स ऑफ एमओए एंड एओए। एक क्वेश्चन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, उसका नाम आएगा बाइंडिंग फोर्स ऑफ एमओए एंड एओए। उसमें हम पढ़ेंगे कि एमओए एओए कंपनी को भी बाउंड करता है, मेंबर्स को भी बाउंड करता है, डायरेक्टर्स को भी बाउंड करता है। कंपनी को भी मानना पड़ता है, डायरेक्टर्स को भी और मेंबर्स को भी। तो यहां पर कंपनी और डायरेक्टर्स ने नहीं माना, तो जो मेंबर है थर्ड पार्टी, वो दोनों पे केस कर सकती है। समझ आ रही है ये बात? हाँ या ना? एमओए और एओए में जो कुछ भी लिखा है वो कंपनी पे भी एप्लीकेबल होता है, डायरेक्टर्स पे भी एप्लीकेबल होता है, और मेंबर्स पे भी एप्लीकेबल होता है। याद रहेगा, कंपनी, देखो अगर मैं इसको सिंपल भाषा में कहना चाहूं, इधर देखिएगा, मैं इसको अपनी लैंग्वेज में कह रहा हूं, सुनिएगा, नोट की लैंग्वेज में कह रहा हूं, देखिए बताना सही कह रहा हूं। देखिए, कंपनी, मेंबर्स,
and directors are under legal obligation to observe, observe मतलब comply, follow, to observe मतलब adhere to, follow करना, the provisions stated under MOA and AOA. ये बात समझ आई कि कंपनी के MOA एंड AOA में जो provisions लिखे हैं वो कंपनी को, कंपनी के members को और कंपनी के directors को, कंपनी को, कंपनी के members को और कंपनी के डायरेक्टर्स को फॉलो करने पड़ते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो फिर इन तीनों में से जिसने भी तोड़े वो सामने वाला केस कर सकता है. तो यहां पर अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन में किस किसने तोड़े, कंपनी ने अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट किया और डायरेक्टर्स ने किया कंपनी के नाम पे, यस और नो? तो इसका मतलब मेंबर कंपनी और डायरेक्टर दोनों पे केस कर सकता है, यस और नो? एम आई क्लियर? समझ आ गई कहानी पक्का? पहली चीज, अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, वायरस का मतलब होता है लिमिट. अल्ट्रा वायरस मींस बियॉन्ड द लिमिट, बियॉन्ड द बार. कंपनी कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट अपने लिमिट या दायरे के बाहर नहीं कर सकती, और अगर कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है दायरे के बाहर तो वो वॉइड एब इशू है, क्योंकि वो अल्ट्रा वायरस है. और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर आउटसाइडर कंपनी में तो केस नहीं कर सकता, लेकिन डायरेक्टर्स पे पर्सनली केस कर सकता है, जबकि मेंबर्स कंपनी और डायरेक्टर दोनों पे केस कर सकते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि कंपनी, मेंबर्स और डायरेक्टर तीनों की ड्यूटी होती है कि एमओए में जो कुछ भी लिखा उसे ऑब्जर्व करेंगे, यस और नो? क्लियर है ये बात? चले आगे, डन. पहले इतना नोट कर ले, करिए एक बार यहां से नोट कर लें, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस.
आ जाए आगे बच्चे, यहां तक हम लोगों ने कर लिया प्लीज। अब देखिए ध्यान से, अब यहां पर सुनिएगा बात, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, यहां पर मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम एक केस पढ़ने लगे हैं, जैसे हमने रॉयल ब्रिटिश बैंक पढ़ा था, कोटला वेंकट स्वामी पढ़ा था, अल्ट्रा वायरस की डॉक्ट्रिन भी इनकम्प्लीट है बिना केस स्टडी के, केस लॉ के। ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट है सारे लोग इधर देखो, बात करना बंद करते हैं यार। टॉपिक अब हम केस लॉ की हेल्प से अब हम अल्ट्रा वायरस को पढ़ेंगे। ठीक है जी, देखिए ध्यान से, कह रहा केस हुआ था जिसका नाम था एशबरी रेलवे कैरेजेस एंड आयरन कंपनी लिमिटेड। एशबरी रेलवे कैरेजेस एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रीश, लोग इसको रिची बोलते हैं, इट्स नॉट रिची, इट्स रीश, प्रोनाउंसिएशन इट्स रीश। ये केस हुआ था बच्चे 1875 का केस है, ये अभी चल रहा है 2019, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 144 ईयर्स पुराना केस है। राइट, क्लियर है जी ये बात, 144 ही हो गया ना अप्रोक्सीमेटली, है ना। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना कंपनी लॉ, पहली बार जिंदगी में जब मैंने कंपनी लॉ पढ़ाया था, तो उस टाइम पे मैं बोलता था बेटा ये 131-132 साल पुराना केस है, मैंने मुझे 12 साल हो गए पढ़ाते हुए अप्रोक्सीमेटली, यही मतलब है ना, 12 से 13 साल। एशबरी रेलवे कैरेजेस एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेज रीश, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अब सुनिएगा ध्यान से, ये केस है क्या, बहुत बहुत मजेदार केस है, इस केस को भी हम पहले समझेंगे और फिर इसकी भी हम उसी तरीके से एक वीडियो देखेंगे जैसे हमने लास्ट क्लास में देखी थी बाकी दोनों डॉक्टर्स की। पहले देखिएगा इधर ऑल ऑफ यू, सबसे पहली चीज मैं फैक्ट्स बता रहा हूं आपको, मिस्टर जॉन एशबरी थे बेटा इधर, मिस्टर जॉन एशबरी थे जिन्होंने इनकॉर्पोरेट की थी ये कंपनी, एशबरी रेलवे इनकॉर्पोरेटेड हुई थी इन 1862, और करने वाले का नाम क्या था, मिस्टर जॉन एशबरी मालिक थे कंपनी के जिन्होंने एशबरी रेलवे नाम की कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया। क्लियर है ये बात, ये कंपनी का काम क्या था, इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या था, देखिएगा बेटा इधर, इस कंपनी का बिजनेस फाइनल किया गया कि ये कंपनी जो है इसका बिजनेस क्या होगा, इसके एमओए में क्या लिखा गया था, देखिए इसके एमओए में लिखा हुआ था कि ये कंपनी जो है ये कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी, हायर पे देगी, लेंड करेगी, क्या क्या लेंड करेगी, क्या हायर पे देगी, क्या मैन्युफैक्चर करेगी, रेलवे ट्रैक्स, रेलवे के ट्रैक्स को, वैगन्स को, जो रेलवे की बोगियां वगैरह होती है वो सब बनाएगी, डब्बे बनाएगी, उससे रिलेटेड कंपनी थी। ठीक है, क्लियर है, और लिखा था इससे रिलेटेड एंसिलरी काम करेगी, मतलब रेलवे ट्रैक, रेलवे के डब्बे बनाने से रिलेटेड सारे काम करेगी, ये बात समझे। लेकिन सुनिएगा, कहीं पर भी इसके एमओए में ये नहीं लिखा था कि ये लैंडिंग करेगी, या कहीं पर भी नहीं लिखा था कि ये फाइनेंस करेगी, ये दो वर्ड्स नहीं लिखे हुए थे, ये बात समझ आ रही है, कौन कौन से वर्ड्स नहीं लिखे थे, ना लैंडिंग ना फाइनेंस। ठीक है, क्लियर है जी, कंपनी बनाई मिस्टर जॉन एशबरी ने 1862 के अंदर, उसके अंदर उन्होंने ऑब्जेक्टिव क्या लिखा, हम मैन्युफैक्चर करेंगे, हायर करेंगे, लेंट पे देंगे, किराए पे देंगे, किराए पे लेंगे, क्या रेलवे ट्रैक्स, वैगन, डब्बे वगैरह वगैरह, रेलवे पैलेट्स, रेलवे की, रेलवे पैलेट्स का मतलब समझते हो, जो ट्रैक्स बनाते हैं, ट्रैक्स बनाते हैं तो बीच में वो लक्कड़ वक्कड़ भी रखते हैं, देखा आप लोगों ने, वो सारी चीजें हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे, किराए पे देंगे, लेकिन हम उसको लेंड या फाइनेंस, हम किसी को पैसा उधार नहीं देंगे, हम किसी को फाइनेंस नहीं करेंगे, ये बात समझ गई। ऐसा नहीं लिखा था नहीं करेंगे, मतलब लेंडिंग और फाइनेंस लिखा ही नहीं था, देयर वॉज नथिंग स्टेटेड, ये बात समझ आ रही है, ऐसा नहीं है कि लिखा था वी विल नॉट फाइनेंस, वी विल नॉट लेंड, लेंडिंग और फाइनेंस को लेकर देयर वॉज नो प्रोविजन, आप ऐसे समझ सकते हो, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था, ये बात समझ आई, लेंडिंग और फाइनेंस वाली वर्डिंग एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर नहीं थी। अब सुनिए ध्यान से बेटा, इधर सुनिएगा प्लीज ऑल ऑफ यू, थर्ड चीज क्या हुई, 14 मार्च 1864 को इनको 70,000 पाउंड्स का कॉन्ट्रैक्ट मिला, 70,000 पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट मिला, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने दिया रेलवे ट्रैक बनाने का, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने रेलवे ट्रैक बनाने का इनको एक
कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो कि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या थी, 70,000 pounds। इसमें कोई डाउट? कंपनी बनाई, बिजनेस था रेलवे ट्रैक बनाना। 14 मार्च 1864 को इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने बोला कि आप हमारे लिए रेलवे ट्रैक बनाओ, हम आपको 70,000 pounds देंगे। क्लियर है? अब ये जो कंपनी थी, ये कंपनी ऑलरेडी बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व थी, और इस कंपनी के पास इतना टाइम ही नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गया, तो इन्होंने सोचा, एशबरी रेलवे ने सोचा कि क्यों ना हम इसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर दे। यस और नो? यार होता भी सब कॉन्ट्रैक्टिंग है रियलिटी में। अब मान लो फॉर एग्जांपल 500 किलोमीटर की कोई रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया। अब आप 500 किलोमीटर की रोड खुद तो नहीं बनाते हो, आप क्या करते हो, आगे उसको 10 कॉन्ट्रैक्टर्स को दे देते हो 50-50 किलोमीटर की रोड। समझ लो, दिल्ली से अमृतसर की रोड बनानी है 480 किलोमीटर की, तो यहां से जलंधर थोड़ी संभाल लेके जाएंगे, कॉस्टिंग ही कितनी बढ़ जाएगी। तो जो लोकल सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको आगे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। ये बात समझ आई? तो एशबरी रेलवे ने क्या करा, एशबरी रेलवे ने एक सब कॉन्ट्रैक्टर ढूंढा, रीश था। ही वॉज अ पर्सन जो नया नया इंडिविजुअल था, प्रोप्राइटर था, नया नया इसने बिजनेस शुरू किया था, ये भी रेलवे ट्रैक वगैरह बनाता था। तो इसके साथ कंपनी ने सब कॉन्ट्रैक्टिंग करी और कंपनी ने इसको बोला कि क्या आप हमारे लिए रेलवे ट्रैक बनाओगे, नाम हमारा चलेगा, हम आपको सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो रीश ने बोला कि हाँ यार मैं कर लूंगा, लेकिन आप बहुत बड़ी कंपनी और ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, मेरी औकात से बाहर है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हैंडल कैसे करूंगा। उन्होंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, हम ना तेरे को फाइनेंस कर देंगे, हम तेरे को लोन दे देंगे, फिर तू हम मतलब एडवांस वर्ड नहीं बोला, क्या बोला, फाइनेंस कर देंगे, हम तेरे साथ एक अग्रीमेंट करेंगे फाइनेंस का, फिर जब तू बनाएगा कल को पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो हमने तेरी फाइनल पेमेंट करनी है, तो जो हमने तेरे को लोन दिया था वो विद ब्याज हम काट लेंगे, बाकी पैसे दे देंगे। इसमें कोई डाउट? मतलब पहले हमने उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया और कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद हमने उसे फाइनेंस भी दे दिया। डन? उसने कहा जी ठीक है मैं बनाने को तैयार हूं। इन दोनों के बीच में एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो कि ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट 1865 में एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में साइन हो गया। ये बात समझ आई? कंपनी बनी 1862 के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट मिला 14 मार्च 1864 में, रीश से फाइनल कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ, 1865 में, कि तू हमारे लिए रेलवे ट्रैक भी बनाओ, साथ में हम तेरे को फाइनेंस भी करेंगे। क्लियर है ये बात? और बाद में जब फाइनल पेमेंट करेंगे तो एडजस्ट कर लेंगे। अब सुनिए ध्यान से, इसके बाद एक्शन में आ गए शेयर होल्डर्स, जो इनके शेयर होल्डर्स थे, मेंबर्स थे, वो आए गुस्से में। 1867 की बात है ये, 1867 में मेंबर्स ने क्या करा, मेंबर्स ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करी। हमको पता है साल में एक बार एजीएम होती है, और उसके अलावा कोई भी जीएम होती है तो उसे ईजीएम बोलते हैं, राइट? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करी और वहां पर ऑब्जेक्शन रेज कर दिया कि जी ऐसे ऐसे कंपनी ने अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन करी है। क्लियर है ये बात? और साथ में एक एक्सपर्ट की कमिटी बैठी और उस एक्सपर्ट की कमिटी ने भी बोल दिया कि जी डायरेक्टर्स आर बाउंड टू रिफंड अमाउंट टू कंपनी, डायरेक्टर्स आर बाउंड टू मेंबर्स फॉर रिफंड। ये बात समझ आ गई कि भाई कंपनी के डायरेक्टर्स का पैसा नहीं है, कंपनी के मेंबर्स का पैसा है, कंपनी ने कैसे फाइनेंस कर दिया जबकि कंपनी के एमओए में लिखा नहीं था, राइट? तो डायरेक्टर्स ने अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन किया, मेंबर्स, अभी मैंने आपको बताया था मेंबर्स अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन के लिए किसको बोल सकते हैं, कंपनी को भी और डायरेक्टर्स को भी। हाँ या ना? मेंबर्स ने कंपनी की ईजीएम के अंदर ना कर दिया कि नहीं जी ये रेजोल्यूशन, ये ट्रांजेक्शन गलत है, और एक्सपर्ट कमेटी बैठाई और एक्सपर्ट कमेटी ने भी बोल दिया कि हाँ डायरेक्टर्स की गलती है, तो डायरेक्टर्स आर पर्सनली लाइबल। अब डायरेक्टर्स ने क्या करा, डायरेक्टर्स चले गए वापस रीश के पास, मतलब कंपनी गई रीश के पास, एशबरी रेलवे गई रीश के पास और उसको बोला कि यार ऐसे ऐसे हम तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तू हमारे पैसे वापस कर, हम अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल कर रहे हैं। उसने कहा यार ये क्या बात है कैंसिल कर रहे हैं, तुम्हारे चक्कर में मैंने तुमसे फाइनेंस लिया, मैंने मार्केट से भी लोन लिया, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, अब तुम कह रहे हो पैसे वापस कर, जो जो सड़क बन गई उसका क्या करूंगा, और पैसे वापस करूंगा तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कैसे होगा। बोले जी सॉरी हम फाइनेंस तो नहीं कर सकते देखो, तो इन्होंने केस कर दिया कि पैसा वापस कर, क्यों, क्योंकि वो पैसा हमें, हम डायरेक्टर्स हैं, हमें वो पैसा कंपनी के शेयर होल्डर्स को वापस देना है। यस ऑर नो? समझ आ रही है बात? तो रीश चला गया कोर्ट के अंदर, ये चला गया, मतलब एशबरी रेलवे चली गई कोर्ट में, क्योंकि एशबरी रेलवे जो है उसको पैसे नहीं दे रहा था, तो एशबरी रेलवे कोर्ट में चली गई। अब सुनना ध्यान से,
इन्होंने इसको केस किया, केस कहां किया, इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब रीच कोर्ट में क्या कहता है सुनिए, रीच कहता है माय लॉर्ड पहली बात तो जो कंपनी है, कंपनी का अगर आप एमओए पढ़ोगे तो एमओए के अंदर एक वर्ड आ रहा है जनरल कॉन्ट्रैक्टर, और मैं एक जनरल कॉन्ट्रैक्टर हूं, कंपनी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है बिकॉज आई एम अ जनरल कॉन्ट्रैक्टर। ये बात समझ आई। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि कोई फाइनेंसिंग वर्ड नहीं डाला हुआ, कोई लेंडिंग वर्ड नहीं डाला हुआ, यही कह रहे हो ना बार बार, तो माय लॉर्ड क्या दिक्कत है, अब डाल देते हैं, अब डाल देते हैं और शेयर होल्डर्स का अप्रूवल ले लेते हैं, शेयर होल्डर्स का अब अप्रूवल ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। मैंने आपको पढ़ाया था फर्क पड़ता है, याद है आपको, हाँ या ना, या आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे जब एमओए पढ़ोगे जिसमें पैसिफिक कोस्ट एक कंपनी है उसका भी केस आएगा कि अगर एक बार अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन है तो शेयर होल्डर्स भी उसे रेटिफाई नहीं कर सकते। समझ आ रही है ये बात, यस और नो? अब देखो बात आ गई कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर क्या बात आ गई, एशबरी रेलवे इस कंपनी के मालिक मानते हैं कि हमसे गलती हुई और क्योंकि हमें शेयर होल्डर्स को पैसा वापस करना है तो वो रीच के पास जाते हैं, नहीं देता, कोर्ट में चले जाते हैं। रीच कहता है माय लॉर्ड दो बातें हैं, पहली बात मैं जनरल कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन में आता हूं और दूसरी बात नो फाइनेंसिंग और लेंडिंग वॉज मेंशन देयर, तो क्या दिक्कत है, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेते हैं, आप कर देते हैं उसको मेंशन, क्या दिक्कत है, शेयर होल्डर्स से रेटिफाई करवा लेते हैं। ये बात समझ आ रही है। अब फाइनली कोर्ट ने क्या बोला देखिए, व्हाट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट, देखिए बेटा कोर्ट बात आ गई कोर्ट पे, सारा दारोमदार कोर्ट में, देखिए कोर्ट की वर्डिंग्स, जो कोर्ट की जज साहब की वर्डिंग्स थी वही वर्डिंग्स मैं यहां यूज कर रहा हूं, देखिएगा। जज साहब ने बोला था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी पॉजिटिवली एंड एफर्मेटिवली स्टेट्स The objects of company, कंपनी का जो MOA है वो कंपनी के सारे ऑब्जेक्ट्स को पॉजिटिवली बताता है, यस और नो? और दूसरी बात क्या बोली देखिए, दूसरी बात बोली corporate life cannot be utilized, कंपनी अपनी जिंदगी को यूज नहीं कर सकती फॉर ट्रांजेक्शन other than those specified in MOA। ये बात समझ आई जी, जवाब दो। पहली बात क्या है कि MOA में जो लिखा है, MOA में लिखा है कंपनी क्या कर सकती है। दूसरी बात, कंपनी कभी भी अपने जीते जी अपनी जिंदगी में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती जो MOA के बाहर है। हाँ, कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कंपनी क्या करे, पहले शेयर होल्डर्स का अप्रूवल ले। आप पढ़ोगे, ध्यान से देखिएगा, आप पढ़ोगे कि कंपनी का जो एमओए होता है उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर हो सकता है बाईपासिंग एसआर। माने कंपनी को अगर ये काम करना था तो कंपनी पहले ईजीएम बुलाती, शेयर होल्डर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती और उसके बाद इस लेंडिंग वर्ड को एमओए में डालती, फिर उसके बाद काम कर सकती थी। लेकिन यहां कंपनी ने शेयर होल्डर्स के थ्रू एमओए ऑल्टर कराया या बिना करे कर दिया, बिना करे कंपनी ने कर दिया। तो लास्ट में जज साहब ने बोला कि जी वंस अल्ट्रा वायरस शैल रिमेन अल्ट्रा वायरस एंड कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय होल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स। कि आप तो कह रहे हो कि मेजोरिटी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल ले लेते हैं, हम कह रहे हैं कि अगर सारे के सारे शेयर होल्डर्स भी हां करेंगे इवन देन वो वैलिड नहीं माना जाएगा बिकॉज वंस अल्ट्रा वायरस शेल रिमेन अल्ट्रा वायरस। ये बात समझ आई। एंड फाइनली कंक्लूजन क्या होना था, हार गए बाबूजी, रीच जो है वो केस हार गया, यस और नो? समझ आई कहानी सबको? तो कहानी कैसी है, इधर सुनिए कहानी कैसी है। अगर हम इसको सम अप करें तो केस का नाम क्या है, एशबरी रेलवेज वर्सेस एशबरी रेलवेज कैरेजेस एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रीच। इसमें क्या हुआ था, जॉन एशबरी ने कंपनी बनाई थी 1862 के अंदर, बिजनेस था कि हम रेलवे पैलेट्स, रेलवे वैगन्स या रेलवे ट्रैक्स को हम
मैन्युफैक्चर करेंगे, किराए पे देंगे, लेंगे, लेकिन कहीं पर भी फाइनेंस कवर्ड नहीं था। 14 मार्च 1864 को कंपनी को 70,000 पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट मिला रेलवे बनाने का बेल्जियम के अंदर, जो कि उन्होंने आगे सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया रीश को। रीश को बोला हम तेरे को पैसा भी दे देंगे, टेंशन ना ले, बाद में एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन एडवांस की जगह लोन अग्रीमेंट साइन हुआ, फाइनेंस का अग्रीमेंट साइन हुआ। जिस वर्ड को लेकर शेयर होल्डर्स ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, मना कर दिया कि ये वैलिड नहीं है, और एक्सपर्ट कमेटी बनी, एक्सपर्ट कमेटी ने भी बोला कि अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन है, आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। एशबरी रेलवे के पास कोई ऑप्शन नहीं था, रीश के पास जाके मांगने के अलावा, उसने नहीं दिया तो केस कर दिया। केस किया तो फाइनली कोर्ट, जो रीश था उसका पॉइंट क्या था कि माय लॉर्ड जनरल कॉन्ट्रैक्टर वर्ड मेंशन है एमओए के अंदर, जिसके अंदर मैं भी आता हूं। दूसरी बात, अगर लैंडिंग वर्ड नहीं भी लिखा तो अब लिख लेते हैं शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेके। जज साहब ने बोला नहीं, रीच वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एमओए ही कंपनी का दायरा बताता है, लिमिट बताता है। कंपनी सारी जिंदगी में कभी भी एमओए के बाहर कोई काम नहीं कर सकती, और अगर कोई काम करती है तो वो चाहे सारे शेयर होल्डर्स बाद में अप्रूव करते रहे, इवन देन वो वैलिड नहीं माना जाएगा, और फाइनली रीच केस हार गया। ये बात समझ आई, क्लियर है सबको? एक बार हम पहले इसकी एक वो मूवी देखते हैं एनिमेटेड, उसके बाद हम इसको नोट डाउन करेंगे। क्लियर है ये बात? डन। Doctrine of Ultravirus. Ashbury Railways Carriage and Iron Company Limited versus Riche, 1875. Mr. John Ashbury incorporates a company in 1862. The object clause of Memorandum of Association stated the objects of company to make and sell or lend on hire railway carriages and wagons and all kinds of railway pallet, fittings, machinery and rolling stock to carry on the business of mechanical engineers and general contractors, to purchase and sell as merchant timber, coal, metal or other materials, and to buy and sell any materials on commissions or as agents. Mr. John Ashbury in the office of Belgian government on 14th March 1864. Congrats, Mr. Ashbury. आपकी कंपनी को बेल्जियम सिटी में रेलवे ट्रैक बनाने का 70,000 पाउंड्स का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। Thank you, sir. We will make our best efforts to make you feel proud. Mr. John Ashbury in his office with other board members. I am honored to announce that the contract to construct railway line in Belgium has been given by government to our company. Magar hamari company pehle se hi kuch bade projects mein shamil hai. To is contract ke liye hum resources arrange kaise kar sakenge? I think we must assign the contract to some other contractor. Yes, we can. Aapki knowledge mein koi competent contractor hai? Ha, Mr. Riesch. मिस्टर रीश के साथ आप मेरी मीटिंग अरेंज कीजिए। डायरेक्टर ऑफ एशबरी रेलवेज कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड कॉलिंग रीश। हेलो। हेलो मिस्टर रीश, आई एम कॉलिंग ऑन बिहाफ ऑफ एशबरी रेलवेज कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड। हमारे एमडी आपसे मिलना चाहते हैं। कैन यू विजिट आवर ऑफिस टुमारो एट 11 AM? या श्योर। Mr. Riesch in the office of Ashbury Railways Carriage and Iron Company Limited. हमारी कंपनी को रेलवे लाइन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो हम आपको साइन करना चाहते हैं। It's my pleasure to work for you, sir, but मेरे पास इतनी फंडिंग नहीं है। No issues. We will finance you the amount and subsequently set it off. Done, sir. In the year 1865,
Ashbury Railways Carriage and Iron Company Limited explicitly entered into a formal contract with Riche. After 2 years, Extraordinary General Meeting of Ashbury Railways Carriage and Iron Company Limited. Mr. Ashbury, हम shareholders आपके काम से नाखुश हैं क्योंकि आप board of directors ने ultra-virus contract किया है. Ultra-virus contract? आप कहना क्या चाहते हैं? जी हाँ, हमारी कंपनी Mrs. Riche को रेलवे लाइन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फाइनेंस कर रही है, जबकि हमारे मेमोरेंडम के बाहर है. हम shareholders इस कॉन्ट्रैक्ट को डिसअप्रूव करते हैं. Expert committee was formed and on May 1867 concluded in the favor of shareholders and ordered the board of directors of company to reimburse the amount of loan to the company. Mr. John Ashbury in the office of Riche. हमारे shareholders ने आपके contract पर objection raise किया है and I am sorry to inform you but हम उस contract को continue नहीं कर सकते. और आपको हमारा लोन वापस करना पड़ेगा. बट सर, हाउ कैन योर कंपनी डू दिस टू मी? सॉरी सर, ये कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. आई विल नॉट रीपे एनी लोन. इंस्टेड आपको अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना चाहिए. Ashbury Railways Carriage and Iron Company Limited sued Mr. Riche. Court room. My lord, हमारी कंपनी को बेल्जियम गवर्नमेंट से 70,000 पाउंड्स का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था टू कंस्ट्रक्ट रेलवे लाइन इन बेल्जियम सिटी. वी असाइन द कॉन्ट्रैक्ट टू मिसेस Riche एंड ऑल्सो अग्रीड टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन. लेकिन हमारे शेयर होल्डर्स ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया क्योंकि हमारी कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के मुताबिक हम लैंडिंग नहीं कर सकते एज इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. Hence, the contract is ultra-virus, the company. And we pray before you to get the amount back from Mrs. Riche. Your Honor, I agree that the lending and financing is not mentioned in the object clause of memorandum. Lekin company shareholders ka approval leke is contract ko kar sakti hai. The memorandum of association of the company states affirmatively the ambit and extent of vitality and power which by law are given to the corporation, and it states negatively that nothing shall be done beyond that ambit and that no attempt shall be made to use the corporate life for any other purpose than that which is so specified. Ye company ke directors ki duty hai ki unhe memorandum ki had mein rehkar kaam karna chahiye. This contract is ultra virus the memorandum of association. Mr. Riche, an act ultra virus the memorandum of association cannot be ratified even by all the body of the shareholders. Once ultra virus shall remain ultra virus. You have to repay the amount of loan to Ashbury Railways. आप चाहते तो Mr. John Ashbury पे उनकी personal capacity पर case कर सकते हैं, as it was his duty to observe the limitations of memorandum of association. The case is dismissed. क्लियर है सबको ये बात? कहानी क्लियर है बच्चे? तो यहां पर हमें इतनी चीज अच्छी तरह क्लियर हो गई बच्चे, प्लीज यहां पर हमें इतनी चीज अच्छी तरह क्लियर हो गई कि अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन है, इसलिए आपको कंपनी को तो पैसे वापस देने पड़ेंगे. आप चाहो तो जॉन एशबरी पे पर्सनली केस करना चाहो तो कर सकते हो. यस और नो? डन. नोट डाउन कर लिया. अब इसको सारा पेन डाउन करना है, राइट? आपको पता है जो आपकी बुक है, सेटिंग अप की जो बुक है या कंपनी लॉ की जो बुक है, उसके अंदर ये जो मैंने अभी एनिमेटेड मूवीज दिखाई है, इसके भी प्रिंट्स को मैंने दे रखा है. मतलब जो मूवी है, कल को अगर आप जब पढ़ोगे, पढ़ते हुए अब आपको मूवी तो बुक में दिखेगी नहीं, तो उसके भी प्रिंट्स मैंने डाल रखे हैं ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि स्टोरी क्या थी, राइट? थैंक यू. बोलो, नोट करो इसको. यहां से Ashbury Railways. Done.
डन, चलें जी आगे, हो गई बात खत्म। अब देखिए बच्चे, अब यहां पर हम आते हैं अपनी लास्ट डॉक्ट्रिन पे, जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो, फोर्थ डॉक्ट्रिन है हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो। डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो क्या लगता है, क्या होगा ये? जब ये डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो आती है तो जो बच्चे हैं ना वो क्या करते हैं, वो इस ईगो वर्ड पे ले जाते हैं, है ना? यस और नो? आप में से कितने बच्चों को लग रहा है हाँ सर, ईगो वर्ड पे ले जाते हैं? ईगो का इससे कोई लेना देना है ही नहीं। ऑल्टर ईगो एक इंग्लिश का बेसिक वर्ड है। ऑल्टर ईगो एक मूवी भी आई थी यार बॉलीवुड की। ऑल्टर ईगो का मतलब होता है डुअल पर्सनालिटी विद मेलाफाइड इंटेंशन। डुअल पर्सनालिटी विद मेलाफाइड इंटेंशन। अब आपको नहीं लग रहा कि डुअल पर्सनालिटी विद मेलाफाइड इंटेंशन मतलब स्प्लिट पर्सनालिटी है, डुअल पर्सनालिटी है विद मेलाफाइड इंटेंशन, तो आपको इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि ये समथिंग रिलेटेड टू सेपरेट लीगल एंटिटी लग रहा है, कि कंपनी अलग है और मेंबर अलग है, या कंपनी अलग है और डायरेक्टर अलग है? डायरेक्टर कहता है मैं लाइबल थोड़ी हूं, पहले डायरेक्टर फ्रॉड करता है कंपनी के नाम पे, फिर कहता है मैंने थोड़ी किया, कंपनी ने किया। यस और नो? आया ना? तो कहीं ना कहीं ये रिलेटेड टू कॉर्पोरेट विल या सेपरेट लीगल एंटिटी होना चाहिए। यस और नो? इसका रिलेशन होना चाहिए विद सेपरेट लीगल एंटिटी, या इसका रिलेशन होना चाहिए विद कॉर्पोरेट वेल। या आपने कभी एक बात सुनी है बेटा, कि जब भी कोई इंसान कंपनी की, देखो इतना अगर आपने याद हो कभी चैप्टर वन में पढ़ाओ कि जी ये होती है कंपनी और ये होती है कंपनी के डायरेक्टर्स, राइट? कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर्स के बीच में ये होती है एक दीवार, जिस दीवार को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल, राइट? इस दीवार का नाम होता है कॉर्पोरेट वेल। जब तक ये दीवार है तब तक कंपनी अलग है और डायरेक्टर्स अलग है। यस और नो? लेकिन कोई भी इंसान इस दीवार को मिसयूज करेगा, कोई भी डायरेक्टर इस दीवार को मिसयूज करेगा अपने पर्सनल मोटिव के लिए, तो कहता है ये दीवार हट जाएगी, जिसको हम बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। और हटते ही कंपनी के ने जो भी गलतियां की या जो भी एक्ट किया उसके लिए डायरेक्टर पर्सनली लाइबल माने जाएंगे। इसका मतलब ऑल्टर ईगो क्या कहती है, सुनिए, ऑल्टर ईगो कहती है जब भी कोई इंसान डुअल पर्सनालिटी में काम करेगा, कंपनी और डायरेक्टर डुअल पर्सनालिटी हो गई, और फिर कंपनी के नाम पे चीटिंग करने की कोशिश करेगा या अपनी लाइबिलिटी को अवॉइड करने की कोशिश करेगा, तो डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो कहती है कि हम ये लिफ्ट कॉर्पोरेट विल को हटा देंगे, हम डुअल आइडेंटिटी को, जो स्प्लिट पर्सनालिटी को हटा देंगे, और एक ही पर्सनालिटी मानी जाएगी, वो डायरेक्टर्स, और फिर डायरेक्टर्स पर्सनली लाइबल माने जाएंगे। तो क्या मैं अपनी भाषा में अगर बात करूं तो क्या मैं इस ऑल्टर ईगो को लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल नहीं बोल सकता? हाँ या ना? कि जब भी कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी की कॉर्पोरेट वेल की आइडेंटिटी को मिसयूज करेंगे तो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो जाएगी, ताकि उन डायरेक्टर्स को पर्सनली लाइबल ठहराया जा सके। यस और नो? मेरे हिसाब से डॉक्ट्रिन फर्स्ट चैप्टर में आनी चाहिए, जहां पे हम नेचर ऑफ कंपनी में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे कोर्स में इन तीनों के साथ पढ़ाई जाती है इसलिए मैंने यहां पर दी है, राइट? याद रहेगा ऑल्टर ईगो क्या बोलती है, कि कभी भी, आई रिपीट, कभी भी कंपनी जो है और डायरेक्टर्स जो है वो अलग अलग है, लेकिन वेन एवर डायरेक्टर्स आर ट्राइंग टू मिस यूज द आइडेंटिटी ऑफ कॉर्पोरेट वेल इन डूइंग सम अनलॉफुल एक्ट, फ्रॉडुलेंट एक्ट, या अपनी लाइबिलिटी को एस्केप करना चाह रहे हैं ये बोल के जी हमने तो नहीं किया, कंपनी ने किया, तो कहता है कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो जाएगी, डुअल पर्सनैलिटी हट जाएगी, और जो डायरेक्टर्स है, लॉ की पता क्या लैंग्वेज थी, लॉ की लैंग्वेज थी डायरेक्टर्स आर द एजेंट्स ऑफ द कंपनी। इस केस में जो जजमेंट आई है उसमें बोला गया है डायरेक्टर्स आर द एजेंट्स ऑफ द कंपनी। इसमें भी एक केस लॉ होगा जैसे बाकियों में था, उसका केस का नाम है लेनर्ड्स कैरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस एशियाटिक पेट्रोलियम, पढ़ेंगे अभी हम उसको। उसमें जजमेंट आई थी कि डायरेक्टर्स आर द एजेंट्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स आर गाइडिंग द कंपनी, डायरेक्टर्स आर माइंड एंड विल ऑफ द कंपनी। कंपनी क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी वही काम करती है जो डायरेक्टर्स करवाते हैं या चाहते हैं। यस और नो? तो डायरेक्टर्स अपनी लाइबिलिटी, अपनी नेग्लिजेंस के लिए कंपनी को लाइबल नहीं ठहरा सकते, डायरेक्टर्स विल बी हेल्ड पर्सनली लाइबल। यस और नो? सुनिएगा ध्यान से, पहले मैं इसके बारे में लिखता हूं, लिखना मत, पहले सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। ऑल्टर ईगो की अगर हम बात करते हैं तो इधर देखिएगा बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए प्लीज इधर,
डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो। स्टेट्स दैट, इधर देखिए, इट स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है, नो पर्सन कैन एस्केप हिज लाइबिलिटी, नो पर्सन कैन एस्केप हिज लाइबिलिटी इन द नेम ऑफ कंपनी। ये बात समझ आ रही है, कंपनी के नाम पे कोई भी इंसान अपनी लाइबिलिटी को अवॉइड करने की कोशिश नहीं कर सकता, यस और नो? ठीक है जी, इधर देखिए, साथ में क्या बोला गया, कंपनी बींग एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हाँ या ना, एक्ट्स और वर्क्स थ्रू इट्स एजेंट्स कॉल्ड डायरेक्टर्स। और देखिए आगे जज साहब की क्या लैंग्वेज है इसमें, देखिएगा ध्यान से, आगे देखिए लैंग्वेज को, कहते जी एजेंट्स कॉल्ड डायरेक्टर्स हु आर डायरेक्टिंग द विल एंड, हु आर डायरेक्टिंग द विल एंड माइंड ऑफ द कंपनी। देखो यहां तक लैंग्वेज समझ आई, देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो स्टेट्स दैट नो पर्सन कैन एस्केप हिज लाइबिलिटी इन द नेम ऑफ कंपनी, कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन एक्ट्स और वर्क्स थ्रू हिज इट्स एजेंट्स कॉल्ड डायरेक्टर्स हु आर गाइडिंग द विल एंड, यू कैन से हु आर गाइडिंग द माइंड एंड विल ऑफ द कंपनी, यस ऑर नो? ठीक है जी, चले आगे, अब सुनिए ध्यान से, इधर देखिएगा इसका मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, इधर देखिएगा बच्चे, अमित वोरा ने कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, अमित वोरा ने कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, और अमित वोरा और कंपनी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें कंपनी के डायरेक्टर्स ने नेग्लिजेंस दिखा दी, कंपनी के डायरेक्टर्स ने नेग्लिजेंस दिखा दी, जिसकी वजह से अमित वोरा को लॉस हो गया, तो अमित वोरा ने कंपनी पे केस कर दिया, आया ना? तो पॉइंट इज आर डायरेक्टर्स लाइबल, आया ना? क्या कंपनी एंड कंपनी के डायरेक्टर्स लाइबल है, यस और नो? आंसर इज यस, दे आर लाइबल, डायरेक्टर्स कंपनी के नाम पे बम नहीं फाड़ सकते और कंपनी डायरेक्टर्स के नाम पे नहीं फाड़ सकती, क्यों? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो कहती है कि भाई हमने बीच में से दीवार हटा दी, बोथ आर सेम, अब पैसा कंपनी दो या डायरेक्टर दो, देना तो पड़ेगा, यस और नो? क्लियर है ये बात? अभी मैंने इसमें लेनर्ड कैरिंग वाला क्या केस है वो नहीं बताया, पर इतनी बात समझ आ गई कि डॉक्ट्रिन क्या बोलती है। इस डॉक्ट्रिन के बारे में देखो मैंने बहुत ज्यादा बातें नहीं लिखवाई, सिर्फ मैंने आपको इतनी सी बात लिखवाई, क्यों? क्योंकि हमारे मॉड्यूल में ही चार लाइनें दे रखी है, तो हर एक केस की अपनी वेटेज होती है। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो है, चार से पांच नंबर से ज्यादा नहीं आ सकती, अभी हमने लैनर्ड्स वाला केस भी पढ़ना है, लेकिन जो अल्ट्रा वायरस है, इंडोर मैनेजमेंट है, वो 8 to 10 मार्क्स की भी आ सकती है। क्लियर है ये बात? तो सबसे पहले ऑल्टर ईगो क्या होता है ये समझ आ गया, ऑल्टर ईगो होता है डुअल पर्सनैलिटी विद मैलिफाइड इंटेंशन, कभी भी कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी के नाम पे कोई फ्रॉड या कोई गलत काम या नेग्लिजेंस करते हैं तो कंपनी के नाम पे बिल नहीं फाड़ सकते, दे विल बी हेल्ड पर्सनली लाइबल फॉर दैट। डॉक्टर लॉ कहता है कि जो डायरेक्टर्स है, डॉक्टर कहां से आ गया, लॉ कहता है जो डायरेक्टर्स है अगर वो कभी भी ऐसा कर रहे हैं कंपनी के नाम पे तो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो जाएगी, हम ऑल्टर ईगो स्प्लिट पर्सनैलिटी को हटा देंगे, फिर दोनों पर्सनैलिटी सेम मानी जाएंगी और फिर आपको लाइबल होना पड़ेगा, यस और नो? क्लियर है जी, नोट कर लो इसको।
हो गया जी। अब इधर देखिए ध्यान से, ऑल ऑफ यू, ये बना लिया पहला पॉइंट, अमित वोरा और कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया। दूसरी बात, डायरेक्टर्स ने नेग्लिजेंस करी। तीसरी बात, अमित वोरा को लॉस हुआ। चौथी चीज, अमित वोरा ने कंपनी पे केस कर दिया। पांचवी चीज, कंपनी एंड डायरेक्टर्स लाइबल है। यस, लाइबल है। हाँ जी, अब देखिए बच्चे ध्यान से, अब हम आते हैं इसके केस लॉ पे, जिसका नाम है लेनर्ड्स। अब लिखिएगा मत, सुनिएगा प्लीज, लेनर्ड्स कैरिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस एशियाटिक पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड। एशियाटिक पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड बच्चे 1915 का केस है। इधर देखिएगा ध्यान से प्लीज ऑल ऑफ यू, 1915 का केस है, लेनर्ड्स कैरिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस एशियाटिक पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड। सर इस केस में क्या हुआ था, पहले मेरी बात को सुनना, जो मैं लिख रहा हूं पहले फैक्ट्स को देखना, लिखना मत, पेन डाउन मत करना, पहले इधर देखिए। सर सबसे पहले इस केस के अंदर क्या हुआ, पॉइंट नंबर वन, एशियाटिक पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड एक कंपनी थी जो पेट्रोल में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में डील करती थी। इन्होंने लेनर्ड्स कैरिंग कंपनी लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, लेनर्ड्स कैरिंग कंपनी लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया, कि ये कैरिंग कंपनी थी, कार्गो वाली कंपनी थी, ट्रांसपोर्ट की कंपनी। इनको बोला तुम हमारा पेट्रोल इधर से उधर लेके जाओगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हाँ लेके जाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर ट्रांसफर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फॉर ट्रांसफर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब मेरी बात सुनेगा ध्यान से, इन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। जो लेनर्ड्स कैरिंग कंपनी थी, इनका जो शिप था वो डूब गया, शिप जो है वो सैंक हो गया, ठीक है जी, शिप जो था वो सैंक आउट हो गया, डूब गया। अब फाइनली जब शिप डूब गया, पहली बात क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट किया, दूसरी बात माल लेके जाते हुए शिप टूट गया, डूब गया, तीसरी बात एशियाटिक पेट्रोलियम ने इनको बोला कि जी तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ है, भरपाई करो। उन्होंने कहा जी काहे की भरपाई, तब इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट होता नहीं था, मरीन इंश्योरेंस तब नहीं होती थी, बहुत पुराना केस है 1915 का, आजकल तो मरीन इंश्योरेंस होती है ना, मरीन इंश्योरेंस होती है तो वो पे करते हैं। अब यहां पर क्या हुआ कि एशियाटिक पेट्रोलियम ने बोला कि नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ, उन्होंने कहा नहीं जी हमारी वजह से तो नहीं हुआ। तो अब सुनिएगा ध्यान से क्या हुआ इसमें, एशियाटिक पेट्रोलियम ने केस कर दिया। अब जब केस हुआ, सुनिएगा, केस हुआ तो एशियाटिक पेट्रोलियम ने अपना होमवर्क किया और पता चला कि जी जो लेनर्ड्स कैरिंग कंपनी लिमिटेड का शिप गया था, उसमें एक बॉयलर होता है, शिप के अंदर बॉयलर जो है वो चेंज होना चाहिए था, बॉयलर जो है वो खराब हालत में था, बॉयलर जो है वो रिप्लेसमेंट मांग रहा था। और उन्होंने कहा चल यार ये वाला जाने दे, उसके बाद देख लेंगे, अभी एक बार तो ये जाने दे। तो उनकी ड्यूटी थी पहले ही चेंज कराया, जब उन्हें पता था कि हाँ खराब हालत में है, बॉयलर जो था वो ढंग का था नहीं, मतलब बॉयलर के बिना शिप नहीं चल सकता, तो बॉयलर को रिप्लेस कराया नहीं, रास्ते में बॉयलर में आग लग गई, पूरा का पूरा शिप डूब गया, माल खत्म हो गया, ठीक है जी। अब ये बॉयलर में, अब यहाँ पर ये कहते हैं जी माय लॉर्ड हम क्या करें, शिप डूब गया, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, मर्जी है, इतने सारे शिप जाते हैं कभी नहीं डूबता। बट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि डायरेक्टर्स की नेग्लिजेंस थी, उन्हें पता था कि भाई साहब हालत नहीं है बॉयलर की, तो बॉयलर को रिप्लेस करना चाहिए, फिर भी उन्होंने रिप्लेस नहीं किया। यस और नो। एंड फाइनली जो APCL है वो केस जीत गई। जब APCL केस जीत गई तो लेनर्ड्स कैरिंग, पहले तो APCL ने केस किया था, तो केस का नाम था APCL वर्सेस लेनर्ड्स, फिर लेनर्ड्स ने अपील फाइल करी, लेनर्ड्स कैरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपील फाइल करी, और जब अपील फाइल करी तो ये अपील में भी हार गए। एंड फाइनली कोर्ट ने बोला नहीं जी जो डायरेक्टर्स हैं दे आर गाइडिंग या दे आर डायरेक्टिंग द माइंड एंड विल ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स अपनी नेग्लिजेंस के लिए कंपनी पे बिल नहीं फाड़ सकते, उनको लाइबल होना पड़ेगा। यस और नो, समझ आई कहानी, क्लियर है सबको, श्योर? एक बार पहले इसकी भी वो हम देख लेते हैं वीडियो, ताकि हमको क्लैरिटी मिल जाए, फिर हम इसको नोट डाउन करेंगे, राइट? क्लियर है जी, आ जाए एक बार उस पे।
Leonard's Carrying Company Limited versus Asiatic Petroleum Company Limited, 1915. Conversation between both the managing directors. Hello, this is Leonard. How may I help you? Hi, Mr. Leonard. मैं Asiatic Petroleum Company Limited का MD बोल रहा हूँ. I just called you to confirm कि आप हमारे goods कब तक dispatch कर रहे हैं. Sir, कल morning में हमारी ship यहाँ से निकलेगी at 9 am and will reach to the destination day after tomorrow at 6 pm in the evening. Thank you. The next day. The boiler caught fire and the ship sank and goods were lost. Hi sir, मैं Leonard बोल रहा हूँ. I just called you to inform that वो ship जिसमें आपके goods आ रहे थे डूब गया है and we are sorry. What do you mean by sorry? You have to pay compensation for your negligence जिसकी वजह से हमारा 12,000 pounds का loss हो गया है. Sorry sir, but we are not going to pay any compensation as it was without our fault. Okay, then let's meet before the House of Lords. Courtroom. My Lord, हमारी कंपनी के गुड्स सी रूट से ट्रांसपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट हमने Leonard's Carrying Company Limited को दिया था, but ship sank and the cargo was lost in transit. जब हमने कंपनी से क्लेम मांगा तो उनके MD Mr. Leonard ने डिनाई कर दिया. My Lord, Merchant Shipping Act 1894 clearly states that ship owner किसी भी नुकसान के लिए liable नहीं है if such loss is without his fault. My Lord, the director, Mr. Leonard, should have known about defects in the ship जिनकी वजह से boiler में आग लग गई और ship डूब गया. The ship was not in good condition and ये reports बताती हैं कि ship का boiler must have been changed before the voyage. Company, being an artificial person, acts through its agent called directors. The default of the MD, who is directing the mind and will of the company, would be attributed to him and he will be held liable for the wrongdoing of the company. Asiatic Petroleum Company Limited wins the case and Leonard's Carrying Company Limited ko claim satisfy karne ka order diya jata hai. The case is dismissed. आगे जी बात समझ क्लियर है सबको? श्योर? तो मोरल ऑफ द स्टोरी इसके यहाँ पर डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी के नाम पे बिल नहीं फाड़ सकते, या डायरेक्टर्स ये नहीं कह सकते कि हमारी गलती नहीं है, डायरेक्टर्स की नेग्लिजेंस थी, उनको बॉयलर चेंज करवाना था, नहीं करवाया, आग लगी, तो यस वो लाइबल माने जाएंगे. डन जी, एम आई क्लियर? कर ले इसको नोट डाउन कर लो जी. डन जी, आगे कहानी समझ. देखो मैं आपको बताता हूँ, इधर देखिएगा बेटा ऑल ऑफ यू, मैं आपको ना आपके मॉड्यूल्स भी दिखा देता हूँ, आपके सेटिंग अप के मॉड्यूल में है ये. इधर देखिएगा बेटा, जो लैंग्वेज मैंने लिखी है सेम वही लैंग्वेज
जो लैंग्वेज मैं बोल रहा हूँ सेम वही लैंग्वेज आपको यूज करनी है, आपके एग्जाम में इसी तरीके से गिवन है। ऑल्टर ईगो, ये देखो डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो पेज नंबर 80 पे गिवन है, तो हम पेज नंबर 80 की जगह यहां पर जाते हैं। ऑप्शंस देखो यार, पेज नंबर 80 पे सीधा कैसे जाएंगे, ये ऑल्टर ईगो को सर्च क्यों नहीं कर रहा। आ गया, ये देखो बच्चे इधर देखिए ध्यान से, चार लाइनों की दी हुई है ऑल्टर ईगो। अगर आप देखोगे ध्यान से तो वही वर्डिंग से देखो जो मैंने बोली है। इन लेनर्ड्स कैरिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस एशियाटिक पेट्रोलियम विस्काउंट हेल्डेन, ये जज थे। अगर आप इनका नाम लिख दोगे तो भाई साहब 5 में से 5। प्रपाउंडेड दैट ऑल्टर ईगो थ्योरी एंड डिस्टिंग्विश विकेरियस लाइबिलिटी, वाइकेरियस लाइबिलिटी आपको पता है एक बंदे की गलती के लिए जब दूसरा पर्सन लाइबल होता है दैट इज वाइकेरियस लाइबिलिटी। प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ एजेंट, यहां पर कंपनी इज लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ डायरेक्टर्स। आया ना, गलती डायरेक्टर्स की थी, नेग्लिजेंस डायरेक्टर्स की थी, लाइबिलिटी कंपनी को पे करनी पड़ी। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स स्टेटेड दैट द डिफॉल्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर हु इज डायरेक्टिंग एंड डायरेक्टिंग माइंड एंड विल ऑफ द कंपनी वुड बी एट्रीब्यूटेड टू हिम एंड ही विल बी हेल्ड लाइबल फॉर द रॉन्ग डूइंग ऑफ द कंपनी। यही सेम लैंग्वेज वहां जज ने भी बोली थी जो मैंने कहा था, सेम लैंग्वेज है ना ये, कि रॉन्ग डूइंग ऑफ द कंपनी के लिए डायरेक्टर्स वो लाइबल है बिकॉज डायरेक्टर्स आर गाइडिंग डायरेक्टिंग माइंड एंड विल ऑफ द कंपनी। यस और नो, तो यही सेम लैंग्वेज जज ने बोली थी, यही सेम लैंग्वेज मैंने अपनी कहानी में यूज करी और यही सेम लैंग्वेज आपके मॉड्यूल्स में दी हुई है। क्लियर है बात, डन। तो यहां पर हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है, हमने दो डॉक्ट्रिन्स पढ़ ली, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो, राइट। थैंक यू।